मंथ्स की वजह से मैं ये चैप्टर बना ही नहीं पा रही थी बट अभी मैंने किसी तरीके से टाइम निकाल कर आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर यू एंड आई होप आपको समझ में आएगा आप लोग बाकी जो चैप्टर्स हैं वो भी मेरे चैनल पर यू you नो know, देख सकते हो एंड आप में से काफी बच्चों ने देखे भी हैं पसंद भी करे हैं यहाँ पर इस चैनल की स्पेशलिटी ये है हिस्ट्री को लेकर मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाती हूँ और कम से कम टाइम में समझाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि अगर आप बाकी लेक्चर्स को देखोगे यूट्यूब पे तो उन्होंने लाइन बाय लाइन नहीं समझाया है स्किप करके पढ़ाया है या फिर जिन्होंने लाइन बाय लाइन समझाया उनके लेक्चर्स काफी ज्यादा लेंदी हैं और लंबे हैं तो मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स देती हूँ जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए लाइन बाय लाइन भी हो जाए और कम टाइम भी लगे तो शुरू करते हैं बच्चों हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फाइव चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस मैंने आपको पहले भी चार चैप्टर्स करा दिए तो प्लीज आप पहले वो देख लेना क्योंकि इनकी ना एक स्टोरी है अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा दूसरा नहीं देखा तीसरा नहीं देखा आप सीधा पांचवे पे आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप चीजों को मिस करोगे राइट right? क्योंकि मैंने आपको दो थ्री ऑर्डर्स वाले चैप्टर में क्या समझाया कि भाई हमारे पास यहाँ पर एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है कि ऊपर तुम्हारे क्लर्जी है नीचे तुम्हारे लॉर्ड्स आ गए लॉर्ड्स के पास बहुत ज्यादा पैसा है ना उन्होंने अपनी एक क्लास पीजेंट्री क्लास भी लॉन्च कर दी उसके नीचे बिल्कुल ही तुम्हारे यू नो जनरल लोग आ गए तो ऐसे करके हमने सारे के सारे ऑर्डर्स पढ़े जो तुम इस चैप्टर में भी देखोगे राइट के फ्यूडल के लिए आपको प्रीवियस चैप्टर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो देख लेना यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं यूरोप के कल्चर की ठीक है ये क्या किया यूरोप में कल्चरल लेवल पर चेंजेस आए इसकी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं तो शुरू करते हैं बिना देरी के अब देखो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम द टू एंड ऑफ सेंचुरी की दू सेंचुरी से लेकर सेवनटीन सेंचुरी की की हम लोग बात करने वाले हैं एंड तक की. ठीक है अब यहाँ पर बोला गया है कि यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में ना टाउन्स बिल्ड होना शुरू हो गए थे तो ध्यान देना एक कॉपी और पेंसिल रखना ताकि साथ साथ में यू नो आप लोग नोट डाउन करते जाओ साथ साथ में आपको चीजें समझ में आती जाए आपने पूरे शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना लो तो प्लीज कॉपी और पेंसिल या पेन साथ में रखना उस पर लिख लो फोर्टी सेंचुरी टिल दी एंड ऑफ सेवन सेंचुरी ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ यूरोप में ना यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज में जो टाउन थे ना वो ग्रो होने शुरू हो गए वो बिल्ड होने शुरू हो गए अब क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि भाई ट्रेडिंग शुरू हो गई थी पहले क्या थे? के थे गुड्स बदले में गुड्स एक्सचेंज हो रहे थे बार्टर सिस्टम था बट कहीं ना कहीं पैसा बीच में अब आ गया था अब लोग गुड्स तो ऑब्वियसली बेचते थे या खरीदते थे बट एक्सचेंज ऑफ मनी बीच में आ गया था राइट सो ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया था तो धीरे धीरे टाउन वाली जो चीजें होती है ना जितने भी कैरेक्टरिस्टिक टाउन वाले होते हैं वो बहुत सारी सिटीज में कंट्रीज में देखे जाने लगे थे तो आप देख रहे हो कि यानी कि सेंचुरी से लेकर सेवन सेंचुरी के एंड तक जो टाउन है ना वो बहुत ज्यादा बिल्ड होने लग गए ग्रो करने लग गए इन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप अब क्या हुआ एक अर्बन कल्चर कही कहीं ना कहीं डेवलप हो गया अब जो ये शहरी लोग थे ना ये खुद को बहुत ज्यादा सिविलाइज समझने लग गए रूरल पीपल से ठीक है के जो लोकल पीपल थे उनसे शहरी लोग जो है वो क्या कर रहे हैं खुद को बहुत ज्यादा सिविलाइज समझ रहे हैं कि भाई हम तो बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हम तो बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हो गए ठीक है अब यहाँ पर टाउन्स की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली फ्लोरेंस वेनिस और रोम ठीक है अगर हम इनकी बात करें तो ये सेंटर्स हो गए आर्ट और लर्निंग के यहाँ पर क्या हो रहा है अब जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि भाई आर्ट डेवलप हो रहा है बुक्स आ रही है ना लोग पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं पहले क्या होता था रिलीजियस टीचिंग्स कौन दे रहा है केवल चर्च

एंड जो रिच लोग हैं ना जो अरिस्टोक्रेटिक लोग हैं वो क्या कर रहे हैं इन्हें पैटर्नाइज पैटर्नाइज का मतलब क्या है हाँ, कि खुद उनको किसी को समझा के रखना कि भाई तुम लोग हमें पसंद हो खुद को ये लोग बड़ा ही समझते हैं कि हाँ यू पीपल आर नाइस बट तुमसे ऊपर लेवल पे अभी हम ही है ठीक है ये जो रिच लोगों के शौक होते हैं ना ये बनते जा रहे थे नए, आ, है ना कि नए नए राइटिंग्स एमर्ज हो रही हैं तो राइटर्स को प्रेस करना आर्टिस्ट को प्रेस करना तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही थी अब धीरे धीरे क्या होता है जो प्रिंटिंग है उसका इन्वेंशन भी होने लगता है सेम टाइम पर तो प्रिंटिंग की वजह से जो बुक्स है पहले क्या होता था बुक्स की एक ही कॉपी है अब वो कितने लोग पढ़ लेंगे कैसे पूरी दुनिया पढ़ लेगी बट प्रिंटिंग के बाद अब जो बुक्स है वो अवेलेबल हो रही है बहुत सारे लोगों को जो लोग दूर दूर भी रह रहे हैं है ना अलग अलग टाउन अलग

ठीक है कि भाई हर किसी के पास राइट होना चाहिए अपना रिलीजन चूज करने का वरना पहले एक डोमिनेंट रिलीजन कौन सा चल रहा था क्रिश्चियनिटी राइट right. पहले कौन कंट्रोल कर रहा था चर्च बट अभी क्या है धीरे धीरे कैसे देख रहे हैं रिलीजन को कि रिलीजन एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को अपना खुद के लिए चूज करने का राइट होना चाहिए ठीक है पहले चर्च ने लोगों के दिमाग में क्या डाल दिया था लोगों के दिमाग में डाल दिया था कि भाई हम ही लोग हैं जो है क्लर्जी ही है जो है बट अभी क्या हो रहा है धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं बुक्स अवेलेबल हो रही है बुक्स को पढ़ रहे हैं तो उन्हें समझ में आ रहा है कि यार ये तो धांधली है राइट right? अभी द चर्च अर्थ सेंट्रिक बिलीफ वॉज ओवरटर्न बाय साइंटिस्ट अब धीरे धीरे साइंटिस्ट भी इमर्ज हो रहे हैं है ना लोग पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं धीरे धीरे विज्ञान भी बीच में आ रहा है तो जो चर्च वाले लोगों ने अपना एक अलग ही अर्थ को लेकर बिलीफ बना रखा था ना वो जैसे दुनिया को समझाते थे वैसे लोग मान लेते थे वो चैलेंज कर रहे हैं कौन साइंटिस्ट कि नहीं नहीं आप ये गलत बोल रहे हो आप ये कैसे बोल रहे हो इस पे कौन सा फैक्ट है है ना अब कोई क्वेश्चन करने के लिए खड़ा हो रहा है कोई चैलेंज करने के लिए अब खड़ा हो रहा है समझ में आया

कि जो आप बोल रहे हो ना जो आपका बिलीफ है जो आप अपने एंगल से दुनिया दिखा रहे हो ना वो गलत है ये चीज किसने क्वेश्चन करी बच्चों साइंटिस्ट ने ठीक है अब हमें ये सब कैसे पता ये सब हो रहा था बुक्स आ रही थी प्रिंटिंग का इन्वेंशन हो रहा था आर्ट सामने आ रहा था लर्निंग हो रही थी साइंटिस्ट आ रहे थे ये चीज हमें कैसे पता ये हमें पता है क्योंकि देर इज अ वास्ट अमाउंट ऑफ मटीरियल ऑन यूरोपियन हिस्ट्री बहुत सारा मटीरियल अवेलेबल है ऑन यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम सेंचुरी ठीक है फोर्टीन सेंचुरी का बहुत सारा मेटीरियल हमारे पास अवेलेबल है चाहे डॉक्यूमेंट्स हो प्रिंटेड बुक्स हो पेंटिंग्स हो स्कल्पचर्स sculpt, uh, हो ठीक है टेक्सटाइल्स हो तो काफी सारा मटेरियल जो है वो हमें मिला है जिससे ये सारी की सारी बातें सामने आती हैं ठीक है एंड अभी भी इन इनमें से काफी सारी चीजों को सेव करके रखा गया है बहुत सारे म्यूजियम्स में आर्ट गैलरीज में इन यूरोप एंड अमेरिका गॉट इट तो यहाँ पे बेसिकली सोर्सेस को डिस्कस किया गया है कि भाई हमें कैसे पता फ्रॉम सेंचुरी दिमाग में ना लिया करो के अच्छा, हम लोग कर तो से क्या हो रहा था जो हिस्टोरियंस थे ना वो एक टर्म रेनेसा रेनेसा का मतलब क्या होता है दोबारा से किसी चीज का जन्म दोबारा से किसी चीज को रिवाइव करना रीबर्थ ठीक है तो एक टर्म था जो हिस्टोरियंस बहुत यूज कर रहे थे ठीक है और ये वर्ड यूज़ किया जा रहा था टू डिस्क्राइब द कल्चरल चेंजेस के भाई देखो कल्चर में भी चेंज आया है राइट right? जो पहले के लोगों का कल्चर था और जो हमारा है उसमें चेंज है ना जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती है कल्चरल लेवल पे भी चेंजेस आते हैं राइट और रॉन्ग दैट इज एब्सोल्युटली राइट राइट right, तो सेंचुरी से हिस्टोरियंस ने एक टर्म यूज करना शुरू कर दिया इस चीज के लिए के जो पे जोर जो डाला कल्चरल चेंजेस पे जोर डाला कल्चरल चेंजेस भी इंपॉर्टेंट है वो कौन था वो था एक स्विस स्कॉलर जिसका नाम था जेकॉब बर्कदर्थ ठीक है ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रासिल से था स्विट्जरलैंड से तो जेकॉब का नाम आप लोग याद रखना इसका एक गुरु था ठीक है यानी कि ये जो था ये स्टूडेंट था जेकॉब और इसका एक गुरु था लेपल्ट ठीक है जर्मन हिस्टोरियन था लेपल्ट तो इसका टीचर था जैकॉब उसका स्टूडेंट था बट बोलते हैं ना कि हमेशा जरूरी नहीं है कि टीचर से बच्चे एग्री करें या बच्चों से टीचर था रैंक यानी कि उसका लास्ट नेम है इसने अपने बच्चे को अपने स्टूडेंट को क्या सिखाया था कि एक हिस्टोरियन का प्राइमरी कंसर्न क्या हिस्टोरियन का काम किया है ना एक हिस्टोरियन का काम क्या है स्टेट्स के बारे में लिखना पॉलिटिक्स के बारे में क्या सिखा रहा है दोनों हिस्टोरियन है तो वो सिखा रहा है उसको कि देख हिस्टोरियन का काम यही है कि सरकारी पेपर उठाना उसमें से पॉलिटिक्स के बारे में लिख देना स्टेट के बारे में लिख देना पावर के बारे में लिख देना जी कॉप बोलता है मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता मैं इस चीज से ना हूँ तो बहुत ही लिमिटेड काम है ये तो नाइन टू फाइव की जॉब की तरह हो गया तो ये तो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड काम है ठीक है तो मैं आपकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ वो बोलता है कि मेरे लिए ना पॉलिटिक्स से कई ज्यादा है बींग अ हिस्टोरियन है ना केवल हिस्ट्री पॉलिटिक्स नहीं है ठीक है कि पॉलिटिक्स हो गया तो बस हिस्ट्री हो गई नहीं ऐसा नहीं है हिस्ट्री कल्चर से भी रिलेटेड है जितना पॉलिटिक्स जरूरी है वैसे लोगों का कल्चर भी तो हमें पढ़ना चाहिए हिस्ट्री में कि लोग कैसे रहते थे वो क्या लिखते थे लिटरेचर क्या था आर्ट क्या था ये सब चीजें भी तो जरूरी है तो ये वो बोलता है अब क्या हुआ इन एटीन सिक्सटी में जकॉब ने एक बुक लिखी ठीक है बुक का नाम था सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली जिसमें उसने हम रीडर से क्या बोला उसने अटेंशन दिया टूवर्ड्स लिटरेचर आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग है ना उसने बताया कि कैसे ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है एक जगह का लिटरेचर क्या है पेंटिंग्स क्या है आर्ट क्या है ये सब ये सब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू स्टडी हिस्ट्री ठीक है जी अब वो बताता है हाउ अ न्यू ह्यूमेनिस्ट कल्चर हैड इन इटालियन टाउन ह्यूमेनिस्ट उसने किसको बोला इन सबको कि ह्यूमनिस्ट कल्चर क्या है जो हर चीज पे फोकस करे लिटरेचर पर भी आर्ट पर भी पेंटिंग्स पर भी हर चीज पे जो फोकस करे उसको क्या टर्म दिया गया ह्यूमैनिस्ट तो वो बोलता है कि कैसे ये जो कल्चर है ये इटली के टाउन में 14 से 17 सेंचुरी तक चला समझ में आया जिसके बारे में हम ये रेनेसा वर्ड यूज कर रहे हैं ना कि रीबर्थ ऑफ कल्चर ठीक है कि कैसे लोग जो थे वो लिटरेचर में आर्ट में इंटरेस्टेड हुए फ्रॉम टू सेंचुरी ये हमें किस बात, कि, किस बात आदमी ने इस से जोर डाला जेकॉब ने ठीक है है अब वो लिखता है कि ये जो कल्चर है ना ये किसके बारे में है ये है इंसान के बारे में एक बिलीफ के बारे में जेकॉब हमें बोलता है कि ये जो नया कल्चर है ना ये हमें क्या सिखाता है कि एक जो आदमी है एज एन इंडिविजुअल वो कैपेबल है ऑफ मेकिंग ओन डिसीजन के जो आदमी है ना उसका अपना दिमाग है एंड ही और शी इज परफेक्टली कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज और हर ओन ठीक है जैसे आपने अरे में पोम है ना वो वाली चाइल्डहुड वाली राइट के भाई मैं अपना एक अलग इंडिविजुअल हूं मैं अपने अलग दिमाग लगा सकता हूं वैसे ये बोल रहा है कि पहले के टाइम पर क्या होता था पहले के टाइम पर जो चर्च के क्लर्जीमैन है वो लोगों का ब्रेन वॉश करते थे हाँ ना लोगों का दिमाग लोगों का नहीं था बल्कि चर्च वालों का था बट यहां पर वो फोकस कर रहा है कि एक आदमी पूरा कैपेबल है अपने डिसीजन बनाने के लिए अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए ठीक है तो आदमी क्या है मॉडर्न है मेडिवल मैन कैसा था जो चर्च कंट्रोल करता था मेडिवल मैन की थिंकिंग बट अब इंसान क्या हो रहा है इंसान मॉडर्न बन रहा है ये बात जेकॉब हमें बताता है ठीक है अब क्या होता है हम लोग इटली के कल्चर के बारे में सारी चीजें पढ़ रहे हैं यूरोप के कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो जो इटालियन टाउन्स थे वो रिवाइव कैसे हुए हमने रोमन एम्पायर में देखा था राइट के कैसे है? जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर चैप्टर नंबर टू में मैंने पढ़ा था कैसे जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर खत्म हुआ तो बहुत सारे जो इटली के टाउन्स थे वो भी सारे खत्म हो गए राइट बट अब कैसे रिवाइव होता है कैसे दोबारा से चालू होते इसके बारे में यहां पर बता रखा है तो देखो चालू होने से पहले देखते हैं कि भाई खत्म कैसे हुआ So, जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर पूरा का पूरा खत्म हो गया तो बहुत सारे टाउन्स जो कि पॉलिटिकल और कल्चरल लेवल पे सेंटर्स थे वो भी पूरे के पूरे इटली में खत्म हो गए तो ये समझो कि इटली के अंदर कुछ ऐसे टाउन्स थे जो पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर्स थे कल्चरल सेंटर्स थे ठीक है तो जब वेस्टर्न रोमन एम्पायर गिरा तो इटली भी पूरा खत्म हो गया अब वहां पर कोई एक सरकार नहीं थी जो सबको यू नो यूनिटी बना के रखे कोई भी सरकार नहीं थी अब जो पोप थे रोम में वो क्या था वो सोवरेन सोवरेन क्या होता है एक ही रूलर अपने अपने इलाके का यानी कि जो चर्च के के पोप थे थे वो क्या थे? अपनी अपनी स्टेट के राजा बन के बैठे हुए थे वो कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं थे तो बताया गया है कि कैसे जब इटली पूरा का पूरा खत्म हुआ तो वहां पे कोई भी सरकार नहीं थी जो पॉप वगैरह थे वो अपने अपने स्टेट में बैठे हुए थे है ना वहां के लीडर बन रखे थे बट कोई स्ट्रांग पॉलिटिकल फिगर नहीं था चलाने के लिए अब वेस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा था धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुई फ्यूडल लॉर्ड वाला सिस्टम आया जैसे कि मैंने आपको थ्री ऑर्डर्स में बताया है ना कि राजा हो गया राजा के नीचे फिर तुम्हारे चर्च वाले आ गए फिर उन्होंने लॉर्ड्स स्टैब्लिश कर लिए लॉर्ड्स ने अपनी एक कैटेगरी बना ली नाइट्स की फिर तुम्हारी पीजेंट्री क्लास आ गई राइट तो ये जो सिस्टम था ये कहाँ पे बन रहा था वेस्ट साइड में बन रहा था तो वेस्ट साइड में जो था वो चर्च पूरा अपना ये फ्यूडल बॉन्ड वाला सिस्टम चला रहा था ईस्टर्न यूरोप साइड अगर देखेंगे तो अलग साम्राज्य स्टैब्लिश हो रखा था बेजेंटिन एम्पायर ठीक है तो यूरोप साइड ये हो रखा था और जो इस्लाम था ना वो क्या कर रहा था वो अपनी पकड़ कर रहा था इटली so, है ठीक है सो हाउ एवर ये जो सारी डेवलपमेंट्स है ना अभी हम देखेंगे आगे आगे इन्होंने हेल्प करी इटालियन कल्चर को दोबारा से रिवाइव करने में ठीक है कि कैसे हम देखेंगे कि अभी ये जो बिजेंटन एम्पायर है या ये जो फ्यूडल बॉन्ड्स है इनकी मदद से कैसे जो इटली के टाउन हैं वो दोबारा रिवाइव होते हैं ये हम लोग देखेंगे अब क्या है? ट्रेड बढ़ने लगता है ईस्ट साइड में, में क्या है? रूल कर रहा है समझ रहे हो तो दोनों में क्या है ट्रेड हो रहा है अब वेस्ट और ईस्ट साइड क्या हो रहा है ट्रेड हो रहा है ठीक है अब इस ट्रेड के बीच में जितने भी इटालियन कोस्ट हैं है ना उनपे जो भी स्पॉट पड़ रहे हैं पॉट्स पड़ रहे हैं जहाँ पर शिप्स रुकती है वो रिवाइव हो रहे हैं रिवाइव हो रहे कि नहीं हो रहे अब मान लो शिप जा रही है यहाँ से यहाँ मान लो बीच में इटालियन पोर्ट है तो ये क्या है दोबारा से यहाँ पर एक्टिविटीज चालू चालू हो रही है राइट तो धीरे धीरे ट्रेडिंग की वजह से क्या हो हो रहा रहा है है रिवाइवल अब ट्वेल्थ सेंचुरी से जब मंगोल्स थे मंगोल वाला चैप्टर पढ़ा था हमने नोमैडिक नोमेडिकर वाला सो ट्वेल्थ सेंचुरी में हमने देखा था कि जो मंगोल्स हैं उन्होंने भी चाइना के साथ ट्रेडिंग शुरू किया था व्यर सिल्क रूट जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ा राइट right? तो इन्होंने भी अपना जो ट्रेड है चाइना के साथ वो शुरू करा था एंड एज ट्रेड विद वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ऑल्सो इंक्रीज तो एक तरफ ये ट्रेड चल रहा है एक तरफ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेड चल रहा है तो जैसे जैसे ही ट्रेड बढ़ा वैसे वैसे इटालियन टाउन्स क्योंकि बीच में पड़ता था तो इनके टाउन्स ने भी एक सेंट्रल रोल प्ले करना शुरू करा ठीक है अब ये खुद को भले ही खुद को एज अ पार्ट ऑफ पावरफुल एम्पायर नहीं देखते ये नहीं बोल रहे कि हम किसी साम्राज्य के पार्ट है बट ये खुद को एज एन इंडिपेंडेंट सिटी स्टेट देखते थे कि ठीक है भाई हम इंडिपेंडेंट है ये इटली के अंदर इंडिपेंडेंट सिटी है ये स्टेट है ठीक है अब क्या हुआ इनमें से दो फ्लोरेंस और वेनिस अगर आप देखोगे ये रिपब्लिक थे यानी कि इनके पास अपना राइट था टू चूज अ लीडर और बाकी जो थे देवर कोर्ट सिटीज यानी कि छोटे छोटे राजा यहाँ पर रूल कर रहे थे ठीक है तो भले ही एक बड़े साम्राज्य के पार्ट नहीं थे बट ये खुद को एज एन इंडिविजुअल करार देते थे एंड ड्यू टू ट्रेड जो इटालियन सिटीज है वो भी अब कही कहीं ना कहीं रिवाइव हो रही थी जो सबसे ज्यादा एक्टिव सिटी थी ना वो थी एक वेनिस एंड दूसरी थी जिनोया ठीक है ये दोनों बहुत ही ज्यादा एक्टिव सिटी थी ये बाकी पार्ट्स ऑफ द यूरोप से काफी ज्यादा अलग थी जो क्लर्जी था वो यहाँ पे पॉलिटिकल डोमिनेंट नहीं था पहले क्या होता था चर्च के लोग ही उन्होंने अपना सारा डोमिनेंस करके रखे बट यहां पर इन दो जगहों पर क्लर्जी का रोल नहीं था ठीक है और ना ही यहाँ पर कोई पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स थे कि लॉर्ड्स चला रहे हैं जैसे हमने थ्री ऑर्डर्स में देखा नहीं बल्कि इन दो जगहों पर जो रिच मर्चेंट्स हैं जो बैंकर्स हैं जो जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है ना वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जगह को गवर्न करने के लिए सिटी की गवर्निंग में वो लोग लो आगे बढ़कर आ रहे हैं जो बैंकर है जो मर्चेंट्स हैं जैसे हमने आ, मैं बार बार बोल रही हूँ थ्री ऑर्डर्स वाला चैप्टर देखिए उसके लास्ट में हमने देखा था एक नई क्लास इमर्ज हो गई थी बैंकर्स की मर्चेंट्स की तो अब ये लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं सिटी को गवर्न करने के लिए ठीक है एंड दिस हेल्प दी आइडिया ऑफ सिटीजनशिप तो इससे क्या हुआ एक आइडिया ऑफ सिटीजनशिप भी बन के आ रहा है जो सिटीजंस हैं उन्हें भी इंपॉर्टेंस मिल रही है अब क्या हुआ कभी-कभी जो टाउन्स हैं ना उनपे मिलिट्री भी मिलिट्री डोमिनेंट हो जाते थे मिलिट्री इन पे रूल करने लगती थी बट तब भी ये ना बहुत ज्यादा प्राइड प्राउड फील करते थे कि भाई चाहे कोई आए कोई जाए हम लोग रहेंगे तो सिटीजंस किसके हम लोग रहेंगे तो इटली के ही ठीक है तो इनका वो जो प्राइड था वो कभी भी कम नहीं हुआ अब धीरे धीरे क्या होता है यूनिवर्सिटी सेटअप होने लग जाती है यूरोप में ठीक है तो द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज जो यूरोप में सेटअप हुई वो हुई कहाँ इटालियन टाउन में ठीक है इस बात को याद रखना अब जो यूनिवर्सिटीज ऑफ पादुआ एंड बुलोंगना था दैट हैड बीन द सेंटर्स ऑफ लीगल स्टडीज फ्रॉम द इलेवेंथ सेंचुरी सबसे पहले यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाना शुरू किया गया लॉ ठीक है इलेवेंथ सेंचुरी से ही अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या पढ़ाना शुरू करा गया लीगल स्टडीज ठीक है अब धीरे धीरे ट्रेड हो रहा है कॉमर्स यहां का मेन एक्टिविटी बन रहा है राइट अब ट्रेड हो रहा है मान लो लेन देन हो रहा है तो बहुत ज्यादा फ्रॉड भी होगा या फिर कहीं पर रिकॉर्ड भी बना के रखना पड़ेगा कि इतना लिया इसको इतना दिया यहां से ये यह जा रहा है यहां से वहां जा रहा है राइट right? तो लॉयर्स की जो डिमांड थी वो बढ़ गई एंड नोटरीज नोटरीज क्या होते हैं सोलिसिटर माने अः एक तरीके से रिकॉर्ड रखना एग्रीमेंट बनाना है ना तो उसको बोलते हैं नॉटरीज तो लॉयर्स की और इन लोगों की डिमांड बढ़ गई कि भाई रिकॉर्ड रखना है एग्रीमेंट बनाना है है ना समझाना है लीगल भाषा हर किसी को तो समझ में नहीं आती तो समझाना है कि कैसे कैसे क्या क्या, क्या एग्रीमेंट है कैसे ट्रेड होगा क्या तो इन सबकी डिमांड बढ़ गई लॉयर्स की तो यूनिवर्सिटीज में भी यही पढ़ाना शुरू किया गया कि भाई इनकी डिमांड बढ़ रही है तो यही पढ़ाओ ठीक है अब क्या हुआ आ, तो ये लोग हेल्प करते थे रूल्स को इंटरप्रेट करने में है ना एग्रीमेंट बनाने में जिसके बिना ट्रेड बिल्कुल भी लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं था तो इसकी वजह से जो लॉ है वो एक पॉपुलर सब्जेक्ट बेसिकली बन गया बट अभी क्या हुआ लॉ को पढ़ाने में ना एक चेंज आया एम्फोसिस मतलब क्या होता है इंपॉर्टेंस ठीक है कि जो इंपॉर्टेंस दिया जाता था उस इंपॉर्टेंस में एक चेंज आया अब लॉ को कैसे पढ़ा रहे हैं रोमन कल्चर के कंटेक्स से जो रोमन कल्चर था ना अर्लियर उसके कंटेक्स्ट से लॉ को पढ़ाया जा रहा है एंड इसमें एक मेजर हाथ है किस बंदे का फ्रांसिस्को पेट्रियार्क अब ये कौन था देखो

ठीक है तो वो बोल रहा है, जो एक्चुअल टेक्स्ट है ना जो ग्रीक और ने लिखे हैं जब आप उन्हें पढ़ोगे ना तभी उसकी एंटीक्विटी जोर ऑथर्स के यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाना चाहिए क्लोज रीडिंग जो एंशियंट ऑथर्स है जो पहले के ऑथर्स है ना उनका एक्चुअल जो बुक्स है वो हमें यहाँ पर पढ़ानी चाहिए ठीक है अब ये जो एजुकेशनल प्रोग्राम था इसने क्या इंप्लाई किया कि मच टू बी रिलीजियस टीचिंग अलोन कुड नॉट गिव तो इस एजुकेशनल प्रोग्राम ने ये प्रूव करा कि बहुत सारी चीजें हैं ऐसी दुनिया में पढ़ने के लिए जो हमें रिलीजियस टीचिंग नहीं दे सकते जो हमें चर्च नहीं दे सकता जो हमें जो पोप्स हैं या जो क्लर्जीज हैं वो नहीं दे सकते ठीक है दिस वॉज द कल्चर अब इस कल्चर को हिस्टोरियंस ने नाइनटीन सेंचुरी में क्या बोला ह्यूमेनिज याद रखना ये जो पूरा का पूरा कल्चर था ना इसे क्या बोला ह्यूमैनिज्म बोला द अर्ली फिफ्टींथ सेंचुरी द जो टर्म था ह्यूमेनिस्ट वो यूज किया जाता था किसके लिए आज के डेट में आप भी ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हो है ना पर ये जो टर्म है ये बहुत पहले यूज किया गया है अर्ली फिफ्टींथ सेंचुरी में यूज किया जाता था किसके लिए यूज किया जाता था एक ऐसे आदमी के लिए जो कि ग्रामर भी पढ़ा रहा है जिसे ग्रामर भी आता है जो कि मास्टर है किस चीज का ग्रामर का भी पोएट्री भी हिस्ट्री भी फिलोसफी भी सारी चीजें जैसे हम ह्यूमैनिटीज में पढ़ते हैं राइट right, तो उस आदमी को क्या बोला गया ह्यूमनिस्ट बोला गया अब ये जो लैटिन वर्ड है ह्यूमैनिताज जो किससे डराइव हुआ है से ह्यूमैनिटीज भी निकला है राइट right? तो ये बहुत सेंचुरी पहले एक रोमन लॉयर था और एसे था सिजेरो जिसने यूज करा था ठीक है और ये कंटेम्प्रेरी कंटेम्प्रेरी क्या होता है सेम टाइम पर तो कंटेम्प्रेरी जूलियस सीजर का ठीक है जो तो जिस टाइम पर जूलियस सीजर था उसी टाइम का ये बंदा है ये एक एक लॉयर भी भी था और एक भी था और तो इसने आ, इस वर्ड का यूज किया था humanitas का जिसका मतलब है कल्चर ठीक है तो याद रखना ह्यूमेनिस्ट कौन है जो कि भाई ग्रामर भी आता है जिसको पोएट्री भी आता है हिस्ट्री भी आता है सारी चीजें आती है क्लियर आई होप दिस इज क्लियर अब ये जो सब्जेक्ट्स है ना दे वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम और कनेक्टेड विद रिलीजियन ये जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे थे चाहे वो हिस्ट्री हो गया ग्रामर हो गया पोइट्री हो गया ये सारी की सारी चीजें ना रिलीजियन से कनेक्टेड नहीं थी ये एम्फोसाइज यानी कि इंपॉर्टेंस देती थी जोर डालती थी एक बंदे की स्किल्स पे है ना कि एक इंडिविजुअल को क्या क्या स्किल्स जो है वो डेवलप करनी चाहिए थ्रू डिस्कशन थ्रू डिबेट जैसे अगर आप लिटरेचर देखोगे अगर आप कभी आगे चलकर लिटरेचर को पढ़ोगे तो आप देखोगे लिटरेचर इज मच मोर ये खाली कहानियां नहीं है खाली फादर टू सन तक लिटरेचर सीमित नहीं है बल्कि लिटरेचर अभी शुरू ही नहीं हुई आपने ढंग से पढ़ी ही नहीं है तो लिटरेचर इज अबाउट 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 मच मोर इट्स 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 डिस्कशन डिबेट पॉइंट ऑफ व्यू लाइफ राइट तो ये सारी चीजें आगे चलकर लोगों को धीरे 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 रियलाइज होने लगी अब ये जितने भी आइडियाज थे ना ये काफी सारी यूनिवर्सिटीज को बहुत ज्यादा पसंद आए एंड पर्टिकुलरली इन द न्यू न्यूब्लिश यूनिवर्सिटी इन पेट्रैक्स उन ऑफ फ्लोरेंस तो फ्लोरेंस में भी तो यहां पर क्या बात हो रही है गया, तक कोई नहीं जानता था इसने कुछ नहीं उखाड़ा था ना ही ट्रेड में ना ही लर्निंग में बट क्या हुआ फिफ्टींथ सेंचुरी में ना चेंज हो गई चीजें फ्लोरेंस के लिए ऐसा क्या हुआ भाई 15th century में as as कि एक जो सिटी है वो अपनी वेल्थ के लिए तो जानी जाती है बट अपने सिटीजन के लिए भी अपने लोगों के लिए भी जानी जाती है ठीक है और फ्लोरेंस को क्यों जाना गया 15th सेंचुरी में ये बोला गया है बिकॉज ऑफ Alighieri ठीक है ये कौन थे लेमेन मतलब एक ऑर्डिनरी मैन थे जिन्होंने रिलीजियस थीम्स पे चीजें लिखी जिनकी वजह से फ्लोरेंस फेमस हुआ अब जैसे मान लीजिए शाहरुख खान है या अक्षय कुमार है ना या फिर रणवीर सिंह है ठीक है अब अगर वो कोई बाहर जाके काम करते हैं मान लो किसी को नहीं पता तो उनकी वजह से हम भी जाने जाएंगे राइट तो बेसिकली एक जो जगह है वो अपनी तो बट अपने लोगों से भी जानी जाती है। अगर हमारे लोग कुछ एक्स्ट्रा कर दे, तो उससे भी वो जो सिटी है, वो फेमस हो जाती है। तो फेमस नहीं हुआ फिफ्टीन सेंचुरी में दानते की वजह से ये फेमस हुआ एंड तो ये भी एक आदमी था एक आर्टिस्ट था जो कि लाइफ लाइक पोर्ट्रेट पेंट करता था ऐसी पेंटिंग करता था जो लगेगा नहीं पेंटिंग है ऐसे लगेगा कि उसमें जान है ठीक है वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टिफ फिगर्स डन बाय अर्लियर आर्टिस्ट पहले के आर्टिस्ट क्या करते थे स्टिफ फिगर्स बनाते थे यानी कि ठीक है पॉट है पॉट बना दिया कुछ भी बना दिया बट ये ऐसी पेंटिंग्स करता था जो ऐसा लगता था भाई इनमें जान है ये लाइफ लाइक -like है ठीक है अब आगे देखते हैं ये पे आप एक पेंटिंग देख सकते हो ठीक है ऑफ द चाइल्ड जीजेस जो उसने बनाई है अब इधर से क्या हुआ इट डेवलप्ड एज द मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी इन इटली एंड क्रिएटिविटी तो यहीं से इन दोनों की वजह से ये जो सिटी इटली में फ्लोरेंस जो था वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया और ये बन गया सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी अब यहाँ पर एक टर्म है रेनेसा मैन जो बहुत ज्यादा फेमस हो गया ये क्या है रेनेसा मैन का मतलब इट इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन विद मेनी इंटरेस्ट एक इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है बहुत सारी स्किल्स हैं, अलग अलग चीजों में उसका इंटरेस्ट है है ना तो उसको हम बोलते थे रेने समान बिकॉज मेनी ऑफ दिजल्स एट दिस टाइम पीपल ऑफ मेनी पार्ट ऐसा नहीं है कि कोई आदमी लॉयर है तो वो पेंटिंग नहीं कर रहा है या वो लिटरेचर में नहीं है तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड में है बहुत सारे अलग अलग स्किल्स हैं तो उस आदमी को जिसके पास अलग अलग स्किल्स होते थे बोला जाता था रेनेसा मैन वो स्कॉलर भी होता था डिप्लोमैट भी होता था थ्योलॉजियन भी होता था आर्टिस्ट भी होता था सब कम्बाइंड इन वन तो उसको बोल दिया जाता था रेनेसा मैन अब ये एक फ्लोरेंस का स्केच है जो 1470 में बनाया गया है तो आप लोग इसको देख सकते हो अब आगे क्या होता है अब हम पढ़ेंगे द व्यू ऑफ हिस्ट्री अभी अभी हमने देखा कि कौन होता है ना अगर मैं आपको पीछे लेकर जाऊं तो अभी अभी हमने देखा कि यार रेनेसा मैन कौन होता है सबसे पहले कि जिसके डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं है ना और एक ह्यूमनिस्ट कौन होता है मैं क्यों आपको पीछे लेकर दिखा रही हूँ कि भाई आप लोग लिखते हुए चलो मैंने आपको तब भी बताया था कि तुम लोग क्या करो लिखते हुए चलो ये देखो मैंने बताया था कि अर्ली फिफ्टीन सेंचुरी में ही ये जो टर्म है ह्यूमिनिस्ट ये यूज होने लग गया था किसके लिए कि भाई जिसको ग्रामर भी आता है जिसको हिस्ट्री भी आता है जिसको पोएट्री भी आता है ना अलग अलग चीजें अलग अलग सब्जेक्ट्स जिसको आते हैं अलग अलग लर्निंग्स जिसको आती है तो ह्यूमिनिस्ट वर्ड यूज होने लग गया था रेने समैन यूज होने लग गया था अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो ह्यूमेनिस्ट लोग थे ना पहले तो थे नहीं जो अभी अभी ये जो नई क्लास एमर्ज हो रही है इनका क्या व्यू था इनका

ठीक है तो अब डार्क एज के बाद हम क्या कर रहे हैं ट्रू सिविलाइजेशन को रिस्टोर कर रहे हैं सेंचुरीज यानी कि सदियों से डार्कनेस फैल रखा है उन्हें लगता था कि डार्क एज था जो कि रोमन एम्पायर के बाद चालू हो गया था ठीक है रोमन एम्पायर बहुत फ्लरिश करा चैप्टर नंबर टू में धीरे धीरे रोमन एम्पायर पूरा खत्म हो गया और उसके बाद सदियों तक एक डार्क एज डार्क एज मतलब जिसमें कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ वो चला ऐसा किसको लगता था ह्यूमनिस्ट को और इन्हें लगता था कि जो हम लोग है ना वो अब असल मायने में सभ्यता को दोबारा से रिस्टोर कर रहे हैं तो फॉलोइंग देम जो बाद में स्कॉलर्स आए है ना वो भी इसी अप्रोच को मानने लगे उन्होंने कभी भी क्वेश्चन नहीं किया अनकली मतलब कभी भी क्वेश्चन नहीं किया इनके व्यू को चाहते तो कर सकते थे कि भाई क्यों डार्क एज क्यू है कुछ तो प्रोडक्टिव हुआ होगा ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इतने सालों में आप बोल रहे हैं कि कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हुआ हाउ इज दिस पॉसिबल वो चाहते तो क्वेश्चन कर सकते थे चाहते तो रिसर्च कर सकते थे कि इतनी सदियों में कुछ भी प्रोडक्टिव ना हुआ हो ऐसे कैसे हो सकता है राइट right? कुछ तो हुआ होगा कुछ तो कल्चरल लेवल पे चेंजेस आए होंगे कुछ तो हुआ होगा यार बट नहीं जो स्कॉलर्स थे उन्होंने कभी भी क्वेश्चन नहीं करा और उन्होंने क्या कर लिया कि भाई एक नई एज शुरू हो गई है यानी कि ये जो लोग ना इन्होंने एक नई एज की शुरुआत कर दी है यूरोप के अंदर फोर्टीन सेंचुरी से ऐसा जो आने वाले स्कॉलर्स थे वो भी आंख बंद करके मानते चले गए अब क्या हुआ जो टर्म है मिडिल एज या मेडिवल पीरियड वो दे दी वो दे दिया गया किसको थाउजेंड ईयर्स

कि जो चर्च है ना उसका कंप्लीट कंट्रोल होता था एक आदमी के दिमाग के ऊपर कि जितनी भी लर्निंग्स यानी कि जो ग्रीक राइटर्स जो पहले के रोमन राइटर्स है ना प्लेटो अरिस्टोटल वगैरह जो राइटर्स हैं बहुत फेमस फेमस वो जो लिखकर गए ना वो तो सब ऐसे सत्यानाश है क्योंकि चर्च वाले लोगों ने क्या करा है मिडिल एज में आदमी के दिमाग के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया था ऐसा इन ह्यूमेनिस्ट लोगों का कहना है द ह्यूमेनिस्ट यूज द वर्ड मॉडर्न फॉर द पीरियड फ्रॉम द 15th सेंचुरी कि 15th सेंचुरी से ये लोग क्या बोलने लग गए एज को मॉडर्न एज बोलने लग गए तो यहां पर एक चार्ट दे रखा है देख सकते हो जो कि ह्यूमेनिस्ट ने बनाया है ठीक है तो ह्यूमनिस्ट और उनके बाद वाले जो अंधे स्कॉलर्स थे अंधे स्कॉलर्स मतलब जिन्होंने ब्लाइंडली फॉलो करा इनको उन्होंने बनाया है तो उनका मानना था कि फिफ्थ से फोर्टींथ सेंचुरी यानी कि आफ्टर फॉल ऑफ रोमन एम्पायर से फोर्टींथ सेंचुरी तक पूरा का पूरा मिडल एज था डार्क एज था ठीक है अब इसमें भी इन्होंने थोड़े थोड़े यू you नो know, अलग अलग पार्ट्स में कर दिया कि फिफ्थ से नाइन्थ सेंचुरी डार्क एज नाइन्थ से इलेवेंथ सेंचुरी अर्ली मिडल एज इलेवेंथ से फोर्टीन लेटर मिडल एज ऐसे डिस्टिंग्विश कर दिया एंड फिफ्टीन सेंचुरी ऑनवर्ड्स ये लोग बोलने लग गए मॉडर्न एज अब आगे क्या हुआ रिसेंटली यानी कि ज्यादा पहले की बात नहीं है रिसेंटली ही हिस्टोरियंस ने फिर इसे क्वेश्चन करा स्कॉलर्स ने तो क्वेश्चन नहीं करा इस डिवीजन को लेकर उन्होंने तो ब्लाइंडली ह्यूमनिस्ट लोगों को फॉलो करा बट जो हिस्टोरियंस एमर्ज हो रहे थे ना फिफ्टींथ सेंचुरी में उन्होंने क्वेश्चन करा कि भाई ऐसे कैसे हाउ इज दिस पॉसिबल राइट तो जब इन्होंने ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करी ज्यादा से ज्यादा यू uh, नो you know, यूरोप के बारे में रिसर्च हो रही थी यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश हो रही थी तो जो स्कॉलर्स थे ना जो जो नए स्कॉलर्स थे देवर रिलक्टेंट रिलक्टेंट मतलब हिचक रहे थे ये बात को मानने में जो इन्होंने ये डिविजन करे ना ब्लाइंडली फॉलो करने में वो लोग हिचक रहे थे कि यार नहीं कुछ तो हुआ होगा ना कल्चरली एक्टिव तो रहे होंगे ना मतलब ये जो जितने भी सिटीज हैं टाउन्स हैं कल्चरल लेवल पे तो एक्टिव होंगे रोमन एम्पायर के बाद या कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसे हम प्रोडक्टिव बोल सके कंप्लीट डार्क एज तो हमें नहीं बोलना चाहिए तो अब ये लोग ये बोल रहे हैं ठीक है तो बोलते हैं अनफेयर है कि किसी भी हिस्ट्री के किसी भी पीरियड को हम लोग डार्क एज नहीं बोल सकते ऐसे हिस्टोरियंस यहाँ पर बोल रहे हैं अब हम लोग देखेंगे कि अरब का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है साइंस और फिलोसफी के अंदर ठीक है फिलोसफी इज वॉट स्टडी ऑफ लाइफ है ना तो इनका अरब लोगों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ये हम देखेंगे अब बोला गया है जो पहले के टाइम पर ग्रीक और रोमन जितने भी यू नो राइटर्स थे जो लिख कर गए थे सो मच ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द ग्रीक्स एंड हैड बीन फेमिलियर टू द मॉन्क्स एंड क्लर्जीमैन जो चर्च में मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा चर्च में जो क्लर्जीमैन थे चर्च में जो मॉन्क्स थे हाँ उन्होंने पहले के वर्क जो थे ग्रीक राइटर्स के और हमारे राइटर के जो बोल रहे हैं उन्हीं की बात को सच माना जाए तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने टेक्स्ट को नहीं मान लो मैंने कहीं से सच्चाई पढ़ी बट मैंने वो सच्चाई आगे लोगों तक नहीं पहुंचाई ना पहुंचने दी ठीक है तो ऐसा उन्होंने हुआ कि मिडिल एजेस में जो ग्रीक और रोमन के काम थे वो मॉन्क्स को पता थे कि जो वर्क लिख कर गए वो पता थे बट दे हैड नॉट मेड वाइडली नोन अब सेंचुरी में क्या हो गया बहुत सारे स्कॉलर्स जो थे वो ट्रांसलेटेड वर्क पढ़ने लग गए ग्रीक राइटर्स के है ना अब इनके जो वर्क थे वो तो पता नहीं कहां बट अरब लोगों ने क्या करा था ट्रांसलेट और प्रिजर्व सेव करके रखा था ग्रीक राइटर्स के वर्क को ठीक है लाइक प्लेटो एंड अरिस्टोटल बहुत ही फेमस राइटर्स हैं कभी लिटरेचर में भी आगे अगर करोगे कॉन्टिन्यू तो पढ़ोगे मैंने भी पढ़ा तो बेसिकली क्या बोला गया 14th में सारे जो ट्रांसलेटेड अब ये, जो है न, ये इनके लोगों ने नहीं करा था समझ रहे हो यहाँ पर इनके लोगों ने नहीं करा है यहाँ पर ये ये किसने करा है? अरब ट्रांसलेटर्स ने करा है अरब लोगों ने करा है इन्होंने ग्रीक राइटर के वर्क को सेव करके रखा और फिर उन्हें ट्रांसलेट करा जो आज की डेट में स्कॉलर्स पढ़ पा रहे थे ठीक है वरना इनके क्लर्जीमैन और ने तो कभी भी पढ़ने नहीं दिया अब क्या हुआ सम यूरोपियन स्कॉलर्स रीड ग्रीक इन अरेबिक ट्रांसलेशन अब यूरोप के जो स्कॉलर्स हैं, वो ट्रांसलेशन को पढ़ रहे हैं जो अरब लोगों ने ट्रांसलेशन करा है राइट द ग्रीक ट्रांसलेटेड वर्क ऑफ अरेबिक पर्शियन स्कॉलर फर्दर ट्रांसमिशन टू अदर यूरोपियन माने मान लो ग्रीक स्कॉलर्स है रोमन स्कॉलर्स है उन्होंने वर्क लिखा उसे अरब ने ट्रांसलेट करा और फिर उन्हें यूरोपियंस पढ़ रहे हैं जिन यूरोपियंस ने पढ़ा उन्होंने अपनी भाषा में इसको लिखा है ना उनकी ट्रांसलेशन और, और पहुंचा रहे हैं कहने का मतलब है है अब जो वर्क वो आगे 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 और पहुंचता जा रहा है ये वर्क बहुत सारे टॉपिक के ऊपर है नेचुरल साइंस मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी मेडिसिन केमिस्ट्री सोचो इतने टॉपिक्स के ऊपर इतने पहले से उन्हें पता था इतने पहले से उन्होंने वर्ग्स लिखे हुए हैं बट चर्च के लोगों ने हम तक इन वर्ग को आने नहीं दिया था ठीक है अब इसी में क्या था एक वर्क का नाम है पटोलमीज आलमगेस्ट ये वर्क है एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो कि ग्रीक में लिखा गया है बिफोर 140 फोर्टी सी बहुत ही पुराना वर्क है बाद में इसे अरेबिक में यू you नो know, ट्रांसलेट करा गया है ठीक है तो ये वर्क के ऊपर है इसमें बस वर्क के बारे में है ज्यादा कुछ है नहीं अब यहाँ पर क्या है अमंग द मुस्लिम राइटर्स अब कुछ मुस्लिम राइटर्स भी थे हु वर रिगार्डेड एज मैन ऑफ विजडम जिन्हें बहुत समझदार माना जाता था इन द इटालियन वर्ल्ड वर इब्न सीना अब यहाँ पर ये क्या है इब्न सीना ये बेसिकली यूरोपियन स्पेलिंग्स है ठीक है तो यूरोप लोग क्या कर रहे थे अपने अकॉर्डिंग लिख रहे थे वर्क्स को ट्रांसलेशन पढ़ के अपनी भाषा में लिख रहे थे तो जो आगे आने वाले लोग थे ना वो बहुत बार ये भी समझ लेते थे कि ये लोग यूरोपियन थे अब जैसे इन्होंने असल नाम को इवीसीना को लेटिन में क्या लिख दिया इब्न सीना लिख दिया तो इब्न सीना लिख दिया यूरोपियन में तो लोगों को लगता था ये यूरोपियन ही थे जो आगे के लोग पढ़ते थे उन्हें कई बार ये भी लगता था कि ये लोग कौन है ये लोग यूरोपियंस ही है ठीक है तो ये कौन था ये बेसिकली एक अरब फिजिशियन था और फिलोसोफर था ऑफ बुखारा इन सेंट्रल एशिया एंड अल राजी ऑथर ऑफ मेडिकल बेसिकली यहां पर जो फेमस फेमस लोग हैं जिन्होंने वर्क्स लिखे उनके बारे में बताया गया ठीक है ज्यादा कुछ है नहीं उस टाइम पर जो स्कूल थे वो भी केवल बॉयज के लिए थे गर्ल्स के लिए वो स्कूल नहीं थे अब इन्हीं में एक इंपॉर्टेंट आदमी था जिसका नाम था इब्न रुशद ठीक है अब यहां पर ये एक अरब फिलोसोफर था स्पेन से था ये और इसने सॉल्व करने की कोशिश करी अपने वर्क्स में क्या टेंशन बिटवीन फिलोसॉफिकल नॉलेज एंड रिलीजियस बिलीव्स ये जो उनकी भाषा में बोलते थे वो वर्ड लिखा हुआ है ठीक है मतलब बेसिकली जो रिलीजियस बिलीव्स है जैसे बहुत सारी ऐसे रिलीजियस लेवल पे बातें हैं जिनका एक्चुअल में कोई सेंस नहीं बनता राइट right. और फिलोसोफिकल इज लाइक नॉलेज ऑफ लाइफ लॉजिक है ना तो लॉजिक से रिलीजियस चीजों को जो अलग अलग चीजें थी वो जो टेंशन था वो जो कॉन्फ्लिक्ट था उसे अलग करने की इन्होंने कोशिश करी अब इनका जो मेथड है ये बहुत सारे क्रिश्चियन थिंकर्स ने भी आगे जाकर अडॉप्ट करा एंड अब जो ह्यूमेनिस्ट है ना वो क्या बोल रहे हैं उन्हें लग रहा है कि अब हमें ना जो हमारे वर्क है जो हमारी रीडिंग्स है वो भी हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि ये वर्क्स तो लोगों तक पहुंचे नहीं बट अब जो हमारी चीजें है ना वो हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए थ्रू वेरियस मीडियम ठीक है तो अब जो यूनिवर्सिटीज में करिकुलम फॉलो होता था अभी भी उसमें ज्यादातर जो डोमिनेंस था वो लॉ का था लॉ पढ़ाया जाता था यूनिवर्सिटीज में है ना हमने देखा कि जो यूनिवर्सिटीज है वो पहली बार सेटअप भी कहां हुई थी इटालियन टाउन में राइट तो अभी भी अगर हम देखें तो मेजरली यूनिवर्सिटीज में लॉ पढ़ाया जाता है मेडिसिन पढ़ाया जाता है थियोलॉजी यानी रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता है बट ह्यूमनिस्ट लोग क्या कर रहे हैं अब धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट भी दे रहे हैं आज की डेट में यार ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं है ना बट उस टाइम पर इतना नहीं था तो ये लोग क्या कर रहे हैं धीरे धीरे अपने सब्जेक्ट्स भी स्लाइड इन कर रहे हैं कि यार स्कूल्स में एटलीस्ट हमारे सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस कराए जाए है ना इटली में ही नहीं बल्कि बाकी की यूरोपियन कंट्रीज में भी कि धीरे धीरे हमारे सब्जेक्ट्स भी जाएंगे हमारी टीचिंग्स भी जाएंगी तो लोगों को पता चलेगा ठीक है अब क्या हुआ फॉर्मल एजुकेशन वॉज नॉट ओनली द वे थ्रू विच ह्यूमनिस्ट शेप देयर माइंड ऑफ देयर एज तो यहाँ पे क्या लिखा है जो ह्यूमनिस्ट लोग थे ना जिनका एक से ज्यादा चीजों में यू you यूनो know, एक से ज्यादा चीजों में जो लोग माहिर थे उनका यह मानना जरूर था कि केवल फॉर्मल एजुकेशन ही एक ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम अपनी टीचिंग्स लोगों तक पहुंचा सकते हैं ठीक है मतलब एजुकेशन इज नेसेसरी अब ऐसा भी हो सकता है एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो है ना बट वो हो मतलब वैसे ही दिमाग से पैदल तो क्या करेंगे पूजेंगे थोड़ी उसको बिठा के राइट तो बेसिकली फॉर्मल एजुकेशन जरूरी है बट दैट इज नॉट द ओनली वे जिससे हम अपनी टीचिंग्स आगे पहुंचा सकते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आर्ट हो गया थ्रू आर्ट हम अपनी टीचिंग पहुंचा सकते हैं थ्रू आर्किटेक्चर हम अपनी टीचिंग्स पहुंचा सकते हैं थ्रू बुक्स हो गया राइट right? तो हम ये जो ह्यूमनिस्ट आइडियाज हैं जिन चीजों में हम बिलीव करते हैं हम लोगों तक अलग अलग तरीकों से भी पहुंचा सकते हैं एजुकेशन के अलावा अब बेसिकली यहां पर ये जो लोग थे ठीक है अब अगर आर्टिस्ट की बात करें यहाँ के दे वर इंस्पायर्ड ऑफ द पास्ट पास्ट इन्हें इंस्पिरेशन से मिलती थी past के कामों को स्टडी करके ठीक है जो मटेरियल मटेरियल रिमेन रिमेन क्या होता है मान लो एक जगह थी वो खत्म हो गई अब वहां जाकर चीजों को ढूंढना कौन सी चीज कैसे थी राइट right? ये वाली चीज थी ये ऐसे मिल गई इसका ये टुकड़ा मिल गया राइट right? तो अभी जो मटेरियल रिमेन्स थे ऑफ रोमन कल्चर वर सॉट विद एज मच एक्साइटमेंट एज एशियन टेक्स्ट कहने का क्या मतलब है जिस एक्साइटमेंट के साथ पुराने टेक्स्ट को पढ़ा जाता था उसी एक्साइटमेंट के साथ अब जो रोमन एम्पायर पूरा का पूरा गिर गया है ना अब वहां पर अगर कोई चीज मिली है तो उसको भी उसी एक्साइटमेंट के साथ खोजा जाता था उसी एक्साइटमेंट के साथ रिसर्च किया जाता था ठीक है? तो so, जो पूरी मतलब खत्म हो हो गई थी, खाली हो गई थी, थी खाली ना, वहां पर जब लोग गए तो उन्हें क्या मिला फ्रैगमेंट ऑफ आर्ट आर्ट छुपी हुई थी वहां पे जो चीजें थी उनमें से उन्होंने आर्ट निकाली ठीक है अब देयर एडमायरेशन फॉर द फिगर्स ऑफ परफेक्टली प्रोपोर्शन मेन एंड वुमेन सो मेनी अगो तो जब वो उन्होंने पढ़ा है ना आज के जो लोग हैं ये जो आर्टिस्ट हैं हाँ ये जो ह्यूमनिस्ट लोग हैं इन्होंने देखा कि कैसे रोमन एम्पायर मतलब सेंचुरीज इतने पहले की बात हो रही है कि तब के टाइम पर बेस्ट थ्री डी फिगर्स यहाँ पे लोगों ने बना रखे हैं परफेक्टली एंगल्ड कट हो रखे हैं इतनी सुंदर आर्ट लोगों ने कर रखी है तो वो लोग भी इंस्पायर हो गए ठीक है इससे जो इटालियन थे यानी कि जो मूर्तिकार थे वो भी इंस्पायर कि इन्हें इन्हें ये ट्रेडिशन को कंटिन्यू करना है इन्हें, रोमन का जो ट्रेडिशन था इटालियन लोगों को एक आदमी था जिसने लाइफ लाइक स्टैचूज बनाए ऐसे जिन्हें कर लगे जिनमें जान है ठीक है आर्टिस्ट कंसर्न टू एक्यूरेट वॉज हेल्प ऑफ साइंटिस्ट साइंटिस्ट की क्यों लेते थे साइंटिस्ट की हेल्प एक्यूरेसी के लिए ठीक है कि बिल्कुल ऐसी चीज बनाएं ऐसा स्टैचू बनाएं जो बिल्कुल एक तरीके से लाइफ जिसमें लगे रियल लगे तो उस चीज में जितनी भी मदद लगती थी ये लोग लगते थे कहने का मेन मुद्दा क्या है जो इटालियन लोग हैं वो रोमन हां ना साइट्स पे उन्होंने विजिट करा जो रोमन एंपायर खत्म हो गया था और वहां पर जाकर उन्होंने फ्रेगमेंट्स टुकड़ों में पाया कि अरे कितनी सुंदर आर्ट है अरे ये है अरे वो है और वो इससे इंस्पायर हुए कि उन्हें क्या करना है इस चीज को दोबारा से रिवाइव करना है ठीक है अब क्या हुआ टू स्टडी बोन स्ट्रक्चर्स यानी कि सोचो एक आर्ट ड्रॉ करने के लिए रियलिटी में वो लोग बोन स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए जो आर्टिस्ट थे वो बहुत बार मेडिकल स्कूल के लैब्स में भी चले जाते थे ठीक है उसी में से एक आदमी था एंड्रियस विस जो कि एक बेल्जियन था और प्रोफेसर था एट द मेडिसिन ऑफ मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ फर्स्ट वन टू डिसेक्ट द ह्यूमन बॉडी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखना डिसेक्ट मतलब क्या होता है खोलना देखना अंदर कि है क्या ह्यूमन बॉडी में होता क्या है फर्स्ट पर्सन और यहां से शुरुआत हुई मॉडर्न फिजियोलॉजी की ठीक है कि हाँ भाई बॉडी क्या होती है बॉडी के अंदर क्या चीजें होती है कैसे होता है देख रहे हो कैसे एक चीज से कनेक्टेड दूसरी चीज है दूसरी से तीसरी चीज कनेक्टेड है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं ठीक है अब यहाँ पर ये यह क्या है बेसिकली आ, मिशेल ने अः एक स्टैचू बनाया है तुम लोग देख सकते हो जिसे द पियता बोला गया है और ये डिपेक्ट कर रहा है मैरी होल्डिंग जीजस अब आप पहले की भी आ, जो पेंटिंग्स वगैरह उन्हें देख सकते हो और अब की देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है एक एक डिटेलिंग में है ना अगर आप ये वाला पार्ट देखो तो बिल्कुल रियल लग रहा है मतलब ये जिस तरीके से हम बैठते हैं तो सिल्वर आती है तो एक एक चीजों का इन्होंने ध्यान देना शुरू करा अब क्या हुआ द इनका नाम तो सभी ने सुना होगा राइट इज वेरी फेमस मोनालेजा कौन नहीं जानता मोनालेजा पेंटिंग नहीं देखा तो भैया गूगल कर लेना ठीक है तो बेसिकली ये जो है सेल्फ पोर्ट्रेट इज बाय लियोनार्डो विंची सेल्फ पोर्ट्रेट मतलब खुद ही की फोटो खुद बनाना ठीक है जिनके बहुत सारे इंटरेस्ट है जैसे हमने रेनेसा मैन में देखा तो इनके भी बॉटनी से लेके है ना मैथमेटिक्स हो गया आर्ट हो गया बहुत चीजों में इनका इंटरेस्ट है इन्होंने द लास्ट सपर टाइप की पेंटिंग्स भी पेंट करी है इनका एक ड्रीम था के उड़ना चाहते हैं बी एबल टू फ्लाई तो इन्होंने बहुत साल अपने लगा करने में कैसे जुड़ती है, और, एक भी करी। और वो अपने नाम को साइन करते थे डिसिप्लिन जिसका मतलब स्टूडेंट मतलब कि मुझे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है नाइन द स्टूडेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आई बिलीव इन डूइंग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ठीक है अब आगे क्या हुआ देखो, जितने भी पेंटर्स थे ना, उनके पास अब आज के डेट में क्या अगर हमें कोई चीज़ पेंट कर है सो वी है वो एज अ मॉडल यूज कर पाए ठीक है बट वो स्कल्प्टर्स यानी कि जो मूर्तिकार थे उनकी तरह चाहते थे कि हम बिल्कुल रियलिस्टिक पॉसिबल जो चीज है उसे पेंट करें यानी कि जो भी पेंट करें वो एकदम रियल लगे

जिससे कि क्या हो जो कलर्स है ना वो और ज्यादा निखर कर आए पेंटिंग में ठीक है अब जो कलर्स एंड डिजाइन कॉस्ट्यूम्स इन मेनी पेंटिंग्स पेंटिंग्स में जो लोग हैं उन्होंने जो कॉस्ट्यूम पहने हैं जो कपड़े पहने हैं अगर आप उनके कलर्स देखोगे डिजाइन देखोगे तो बहुत ज्यादा एविडेंट है कि चाइनीज और पर्शियन आर्ट का भी इन्फ्लुएंस है मेड अवेलेबल टू देम द मंगोल्स ठीक है दोबारा से पढ़ो लिखा है इन द कलर्स एंड डिजाइन ऑफ द कॉस्ट्यूम इन मेनी पेंटिंग्स देर इज एविडेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज एंड पर्शियन आर्ट तो अगर आप इटली की पेंटिंग्स देखोगे ना तो चाइनीज और पर्शियन आर्ट का भी इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा तो इनके पास कैसे आई मंगोल्स ने अवेलेबल कराई ठीक है समझ में आया तो देख रहे हो कहां कहां से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने कैसे कैसी पेंटिंग्स करी है ठीक है अब दस एनाटोमी ज्योमेट्री फिजिक्स एज वेल एज अ स्ट्रॉग सेंस ऑफ वट वॉज ब्यूटिफुल गेव अ न्यू क्वालिटी टू इटालियन आर्ट तो देख रहे हो एक इटालियन आर्ट के लिए फिजिक्स भी लगा दी ज्योमेट्री भी लगा दी सब सारी अपनी चीजें इन्होंने सारी की सारी चीजें यहां पर इन्होंने घुसा दी राइट एंड एक एक क्वालिटी निकाल कर लाए कि रोमन एम्पायर से ये लोग इन्फ्लुएंस हुए चाइनीज और पर्शियन आर्ट से इन्फ्लुएंस कर इंस्पायर हुए एंड अपनी फाइनली इन्होंने सारी की सारी एनर्जी यहां पर लगाई एंड इसको इन्होंने क्या बोला रियलिज्म रियलिज्म क्या बोला टिल रियलिज्मींथ सेंचुरी कब तक कॉन्टिन्यू आई नाइनटीन सेंचुरी तक है ना कि जितना रियलिटी से हो सके उतने रियलिटी से ये लोग पिक्चर्स को ड्रॉ करें और आ, जो जितनी भी मूर्तियां हैं उन्हें बनाएं

इलेक्शन को लेके अब जब लोगों ने इन्हीं के बीच में दुश्मनी देखी तो इनका इन्फ्लुएंस कम हो गया कि ये तो खुद के ही नहीं है तो हमें क्या सिखाएंगे बट ये जो था ना ये चीज ओवरकम हो गई 14-17 तक आते आते अब फिर से जो पॉप्स हैं वो पॉलिटिकली स्ट्रोंगर हो गए थे 14-17 में ठीक है अब ये इन्होंने क्या करा एक्टिवली एनकरेज करा लोगों को कि तुम लोग रोम की जो हिस्ट्री है ना उसको पढ़ो ठीक है द रिन्स इन रोम वर केयरफुली केयरफुलटेड बाय आर्कोलॉजिस्ट आर्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं जो लोग जाते हैं हाँ भाई सर्च करते हैं नई नई चीजें जो चीजें कहीं से तबाह हो गई हैं उनमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कहाँ से पता लगा सकते हैं तो तब आर्कोलॉजी एक नया स्किल था ठीक है अब आज की डेट में वी नो आर्कोलॉजी बट तब एक नया नया स्किल था इस सब ने क्या करा दिस इंस्पायर्ड अ न्यू स्टाइल इन आर्किटेक्चर व्हिच वाज एक्चुअली अ रिवाइवल ऑफ द इंपीरियल रोमन स्टाइल नाउ कॉल्ड क्लासिकल अब जब वहां पे लोग गए है ना रोम में जो सिटीज तबाह हो गई थी उनमें से मटेरियल रिमेन्स देखा उन्होंने चीजों को तो ना उन्होंने वहां के आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर को भी स्टडी करा ठीक है कि अच्छा आर्किटेक्चर पता है ना सबको क्या डिजाइन है कैसे बिल्डिंग बनाई गई है है ना क्या क्या उन्होंने चीजें इसमें इस्तेमाल करी है तो उन्होंने क्या करा कि केयरफुली सारी की सारी चीजों को एक्सकवेट किया अब उसके बाद आर्किटेक्चर का एक नया स्टाइल वो लोग निकाल कर आए जिसे क्लासिकल बोला गया एक्चुअल में ये स्टाइल क्या था पहले के टाइम पर जो रोमन इंपीरियल मतलब जो किंग राजा रानी के टाइम पर जैसी चीजें बनती थी ना तो इन्होंने बोला यार रिवाइव करना है हम लोग बिना ऐसी चीजें बनाएंगे जैसी रोम में हुआ करती थी बट इन्होंने क्या बोल दिया? एक नया का नाम दे दिया कि अरे ये तो क्लासिकल स्टाइल है ठीक है क्लास होती थी, थी इन्होंने क्या करना शुरू को हायर करना शुरू करा जो इस क्लासिकल आर्किटेक्चर से वाकिफ थे क्या था क्लासिकल आर्किटेक्चर जो पहले के टाइम पर रोम में हुआ करता था राजा रानियों का है ना वही चीज को दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं बस नाम दे दिया क्लासिकल अब वही है ना ट्रेंड चल गया तो जो अमीर अमीर लोग हैं वो अब ऐसे आर्किटेक्ट को इंप्लॉय कर रहे हैं जिन्हें इसकी नॉलेज हो जिन्हें इसके बारे में पता हो तो आर्किटेक्चर भी एक बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया और आर्किटेक्ट जो थे उनकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई ठीक है अब जो आर्टिस्ट होते थे या जो uh, स्कल्प्टर्स होते थे जो मूर्तियां बनाते थे वो क्या करते थे वर आल्सो टू डेकोरेट बिल्डिंग्स विद पेंटिंग्स स्कल्पचर्स एंड ब्रिदी तो इन्हें भी बुलाया जाता था कि फाइनली जब बिल्डिंग बन जाती थी तो डेकोरेट करो आकर राइट right? मूर्तियों की जरूरत होती थी पेंटिंग्स की जरूरत होती थी कुछ इंडिविजुअल्स यानी कि कुछ अलग अलग लोग भी थे जो कि इक्वली स्किल्ड थे एज पेंटर्स कुछ अलग लोग थे कि इंडिविजुअल लेवल पे पेंटर्स हैं ना मूर्तिकार हैं आर्किटेक्ट्स हैं तो अलग अलग लोग भी थे जो इक्वली स्किल्ड थे उन्हीं में से एक का नाम है मिशेल जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे नाम मिसिंग हो गया आपकी बुक्स में लिखा हुआ है ठीक है तो इन्होंने क्या करा था एक सीलिंग पेंट करी थी पॉप के लिए ठीक है मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से देख रहे हो बिल्कुल लाइफ लाइक लग रही है ऐसे नहीं कि बस कर दिया हो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सीलिंग होता है ऊपर वाला पार्ट तो वो पेंट किया था जिसे बोला गया था पिया था एंड हिज डिजाइन ऑफ द डोम सेंट पीटर चर्च ऑल इन रोम और ये भी पेंट किया था ये डोम डोम पता है ना इस तरीके से होता है है ना इस तरीके से होता है ठीक है तो ये भी इन्होंने पेंट करा था तो बेसिकली यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है अगर आप टॉपिक का नाम देखोगे बात हो रही है यहाँ पे आर्किटेक्चर की ठीक है इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी किसकी इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर आर्टिस्ट की और रियलिज्म की कि कैसे रियलिज्म इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में लाना शुरू करा ठीक है फिर हमने बात करी किसकी आर्किटेक्चर की आर्किटेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा कि कैसे यहाँ के लोग रोम से इंस्पायर हुए उन्हें स्टडी कि रिवाइव करना चाह एंड नाम दे दिया उसको क्लासिकल है ना और ट्रेंडिंग हो गया लोगों में बढ़ गया ये चीज इस चीज का तो लोग स्पेशली बुलाते थे कि अगर आप वाकिफ हो क्लासिकल आर्किटेक्चर से तो आप आइए और हमारे लिए डिजाइन करिए ऐसे ही एक आदमी था फिलिपो नाम का ये भी एक आर्किटेक्ट था जिसने डिजाइन किया था बहुत ही सुंदर डियोमो फ्लोरेंस डियोमो क्या होता है कैथेड्रल की तरह होता है इस तरीके से तो ये इसने डिजाइन किया था आप लोग देख सकते हो ठीक है और इसने अपना करियर कैसे शुरू किया था मूर्तिकार तो देख रहे हो जो पहले स्कल्पर्स थे वो भी अब क्या हो रहे हैं आर्किटेक्ट बन रहे हैं धीरे धीरे ये भी आप एक फोटो देख सकते हो इटालियन आर्किटेक्चर है सिक्सटीन सेंचुरी की ये फोटो है और इसने बहुत सारे जो फीचर्स है ना वो कॉपी करे हैं इंपीरियल रोमन बिल्डिंग जो राजाओं की पहले रोम के टाइम पर जो राजा थे उनकी बिल्डिंग होती थी ना उसके बहुत सारे फीचर्स इन्होंने कॉपी करे तो बेसिकली समझाया गया कि कैसे रोम से जो इटली के आर्टिस्ट थे वो इंस्पायर हुए और यहाँ का कल्चर उठा के यहाँ पे ले आए एवरी वन सो आई होप दिस इज एप्सोल्यूटली क्लियर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है आगे बढ़ते हैं तो आगे एक और जो रिमार्केबल फीचर हम लोगों को दिखा वो क्या था कि इस टाइम पर जो आर्टिस्ट है ना देवर नोन इंडिविजुअली ठीक है तो ह्यूमेनिस्ट को अगर हम वैसे भी देखकर तो शुरू में उन्होंने क्या बोला था इनका मानना क्या है इनका कल्चर क्या है ह्यूमेनिस्ट लोगों का इनका मानना है कि भाई हर आदमी के पास इंडिविजुअल लेवल पे अपना दिमाग है है ना हर आदमी अपनी जो इंडिविजुअलिटी है उसको वो दिखानी चाहिए एंड ही इज इनफ कैपेबल राइट So, यहाँ पे आर्टिस्ट जो थे उन्हें इंडिविजुअली भी जाना जाने लगा क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर भी वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे पहले क्या होता था इन्हें ग्रुप में ही जाना जाता था या फिर इनके एसोसिएशन होते थे गिल्ड होते थे राइट जिनमें इन्हें जाना जाता था कि हाँ भाई वो ग्रुप है वो ग्रुप है बट अब आर्टिस्ट को इंडिविजुअल लेवल पर भी लोग बार जो थे थे वो जान रहे थे। तो हमने देखा भाई किस तरीके से जो आर्किटेक्चर है किस तरीके से जो 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 पेंटिंग्स हैं आर्ट ये इटली के आर्टिस्ट हैं पेंटर्स हैं ये लोग इंस्पायर हो रहे हैं रोम के कल्चर से रोम के आर्किटेक्चर से राइट एंड उन चीजों को ये लोग यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ह्यूमनिस्ट लोग हैं ये लोग चाहते हैं कि इनकी राइटिंग्स जो हैं वो स्प्रेड हो राइट किस तरीके से ये लोग जाते हैं रोमन एम्पायर आ, का जितना भी पहले का आर्किटेक्चर रहा है उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं बिल्कुल वैसे ही आ, जो आर्किटेक्चर है वो दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं उसको टर्म भी दे देते हैं क्लासिकल राइट एंड कैसे वो चीज़ आगे बढ़ती है ये हमने अभी तक देखा अब हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स के बारे में सो यहाँ पर अब क्या हो रहा था अगर दूसरे देश के लोगों को

कि लोग ट्रैवल करके इटली में क्यों आ रहे थे आ पेंटिंग्स देखने यू you नो know, मूर्तियां देखने आ, बिल्डिंग्स देखने बट जो भी रिटर्न वर्क है जो भी ह्यूमनिस्ट का आइडिया है वो कंट्री से बाहर जा रहा था क्योंकि उसके लिए तो आने की जरूरत नहीं है वो तो बुक फॉर्म में अवेलेबल हो रहा है अब और अगर बुक फॉर्म में अवेलेबल है तो वो खुद आपके पास आ सकता है ट्रैवल कर सकता है राइट right? तो ये पॉसिबल क्यों हो रहा था बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ द सिक्सटीन सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना द मास्टरी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग प्रिंटिंग की वजह से ये चीज जो थी वो पॉसिबल हो पा रही थी कि हाँ भाई अब अलग अलग यू uh, नो you know, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट देश के कोनों में जो बुक्स थी जो आइडियाज था ह्यूमनिस्ट लोगों का वो पहुंच पा रहा था वाई बिकॉज ऑफ द रेवल्यूशन ऑफ प्रिंटिंग ठीक है अब इसके लिए जो यूरोपियंस है ये इन्होंने खुद ने आविष्कार किया ये किसके कर्जदार है किससे इन्होंने ये चीज अपनाई चाइनीज लोगों से ठीक है तो चाइनीज लोगों से इन्हें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का पता चला और बेसिकली चाइना में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है ये तो ठीक है बट इसके बारे में भी इन्हें कैसे पता चला मंगोल रूलर से तो हमने देखा ना मंगोल और चाइना के बीच में ट्रेड हो गया था नोमैडिक एम्पायर में हमने देखा तो ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे ट्रेड को लेकर या डिप्लोमैट्स थे एग्रीमेंट को लेकर किसी भी चीज को लेकर जब यूरोप ट्रैवल किया करते थे वहां के यू नो राजाओं के कोर्ट वगैरह में जाया करते थे तो वहां से इनको पता चलता था कि अच्छा ऐसे ऐसे चाइनीज में चाइना में सॉरी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो डेवलप हो रहा है ठीक है तो वहां से ये लोग फेमिलियर हुए ड्यूरिंग देयर विजिट टू द कोर्ट्स ऑफ यूरोप दिस वाज़ आल्सो द केस अब यही जो बाकी की तीन चीजें वो भी इन्हें ऐसे ही पता चली फायर आर्म्स कंपस और अबेकस तो ये तीन भी इनके आविष्कार नहीं है इन्हें ऐसे ही जा जाकर पता चला अब पहले क्या होता था जो टेक्स्ट होता था ना उसकी केवल थोड़ी ही हैंड रिटन कॉपीज होती थी ठीक है पहले क्या होता था लोग हाथ से लिखते थे भाई कितना लिखेगा एक लिखेगा दो लिखेगा तीन लिखेगा कितना लिख लेगा तो थोड़ी ही हैंड रिटन कॉपीज होती थी बट 1455 में बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना 1455 में डेढ़ सौ कॉपीज बाइबल की प्रिंट करी गई पहले क्या होता था कम कॉपीज होती थी ना तभी जो चर्च वाले लोग है वो अपने पास ही रखते थे आम जनता तक वो कॉपीज पहुंच ही नहीं पाती थी क्यों क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही लिमिटेड एडिशन होता था कॉपीज का राइट right? बट अभी पहली बार डेढ़ सौ कॉपीज बाइबल की प्रिंट करी गई कहां पर वर्कशॉप ऑफ जॉन एस ग्यूटेनबर्ग द जर्मन हु मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस याद रखना इसका नाम आदमी जिसने पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई अब पहले क्या होता था एक जो मॉन्क है वो इतना ही टाइम लेता था एक कॉपी को लिखने में यानी कि जितनी देर में डेढ़ सौ कॉपीज लिखी है उतना सेम अमाउंट का टाइम एक कॉपी को लिखने में जाता था एक मॉन्क के द्वारा राइट तो आप सोचो वो सारा टाइम सेव हुआ उसी टाइम में डेढ़ सौ कॉपीज यहां पर क्या हो गई प्रिंट हो गई बाय फिफ्टीन हंड्रेड तो बाय द ईयर फिफ्टीन हंड्रेड हम देखते हैं बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट सारे के सारे लेटिन में वो अब इटली में प्रिंट होना शुरू हुए ठीक है तो इटली के अंदर जो प्रिंटिंग था वो अब तेजी से बढ़ने लगा अब क्योंकि प्रिंटेड बुक्स अवेलेबल थी तो पॉसिबल था कि हम उन्हें खरीद सकते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अब कम्प्लीटली लेक्चर नोट्स पे आ, क्या बोल सकते हो एक तरीके से डिपेंड नहीं होना पड़ता था ठीक है वरना एक बच्चा टोटली टीचर पे डिपेंडेंट है राइट इसलिए मैं भी पढ़ाती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ बुक्स खोल लो अपनी नोट्स बनाओ राइट तो अगर जब तक बच्चे सुनते नहीं थे वो नोट्स नहीं लिख पाते थे क्योंकि बुक कम अवेलेबल थी लिखी हुई बुक्स कम थी बट अब क्योंकि हर बच्चे पे बुक अवेलेबल है तो वो देख सकता है कि भाई टीचर क्या पढ़ा रहा है आइडियाज जो थे लोगों के जो ह्यूमनिस्ट आइडियाज थे जो ओपिनियन था जो इन्फॉर्मेशन था वो अब ज्यादा तेजी से और ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा था राइट वरना अगर कोई मेरा आइडिया मान लो मैं कितने ही पहुंचा पाऊंगी बट अगर उसकी बुक्स है अगर मेरा आइडिया रिटर्न में है तो वो ज्यादा तेजी से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है सो प्रिंटेड बुक प्रमोटिंग न्यू आइडियाज कुड क्विकली रीच हंड्रेड ऑफ रीडर्स दिस ऑल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल्स टू रीड बुक्स अब इसकी वजह से प्रिंटिंग शुरू हुई तो लोगों ने पढ़ना भी शुरू करा राइट right, लोग जो थे वो कॉपीज अपने लिए खरीदने भी लगे एंड इसकी वजह से एक रीडिंग हैबिट भी देखा गया लोगों में कही कहीं ना कहीं डेवलप हो गई अब जो चीफ रीजन था

हर आदमी को अपनी सोच को आगे रखना चाहिए जितने भी इनकी आइडियाज थे जितने भी फिलोसफीज थे ये इटली के अंदर और इटली के बाहर भी बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ने लग गए बाय द एंड ऑफ द फिफ्टीन सेंचुरी वाई बिकॉज द बुक्स वर सर्कुलेटिंग दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स अब ये हमें ये भी पता चलता है कि जो पहले के इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स थे वो क्यों नहीं चल पाए वो केवल लिमिटेड क्यों रह गए क्योंकि पहले क्या होता था मान लो ह्यूमनिस्ट लोग हैं है ना इनका आइडिया क्या है इनका आइडिया है कि भाई एक चर्च है उस पर कंप्लीटली हमें बातें नहीं सुननी है हमें अपनी इंडिविजुअल लेवल पर भी अपनी सोच रखनी है अलग अलग स्किल्स को यू नो डेवलप करना है अब ये आइडिया अपना कितने ही लोगों को दे देंगे इतना 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 इतने में फैल गया राइट बट क्योंकि बुक्स सर्कुलेट हो रही है तो अब एक वाइडर ऑडियंस के पास ये लोग पहुंच पा रहे हैं है ना और पहले की मूवमेंट जो इंटेलेक्चुअल जो मूवमेंट्स वो पहले लिमिटेड ही रह जाते थे क्योंकि सर्कुलेट करने का कोई आ, एक तरीके से मीडियम नहीं था कोई साधन नहीं था ठीक है अब क्या होता है देखो एक जो फीचर है कल्चर का वो क्या है स्लैकनिंग ऑफ द कंट्रोल ऑफ रिलीजन ओवर ह्यूमन लाइफ अब आपको पता है हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि पहले के टाइम से ही जो कंट्रोल है ना जो पकड़ है एक रिलीजियन की ह्यूमन लाइफ के ऊपर वो बहुत ज्यादा बना के रखी हुई है चर्च ने तो यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा सा उस पकड़ को खुलवा रहे हैं है ना कि ठीक है भाई रिलीजन है बट पूरा ही उसमें रमने वाली चीज नहीं है ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना तो इनका ये भी वन ऑफ द फीचर है तो इटालियंस वर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू तो मटेरियल वेल्थ अब जो ये जो इटालियंस थे ये पैसे के पीछे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे है ना पावर से इन्हें बहुत प्यार था ग्लोरी से इन्हें बहुत प्यार था बट ये बोल रहे है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इन रिलीजियस है कि भाई हाँ हमें पैसा चाहिए पावर चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम भगवान को नहीं मानते हम भगवान को मानते हैं बट भगवान से आगे भी एक जिंदगी है ये हम लोग बोल रहे हैं तो इन्हीं में से एक महान आदमी था जिसका नाम था फ्रेंच आ, फ्रेंचेस्को बारबरो ये भी एक ह्यूमनिस्टी था ठीक है और ये था तो ये एक पैम्फलेट लिखता है जिसमें ये डिफेंड करता है कि वेल्थ को एक्वायर करना है ना जो अमीरी या जो पैसा है या जो वेल्थ है उसे एक्वायर करना कमाना ये तो एक वर्च्यू है ये तो एक अच्छी चीज है इसमें गलत क्या है तो ये इस चीज पे क्वेश्चन करना इन्होंने शुरू कर दिया कि अगर हमें पावर पसंद है या अगर हमें पैसे पसंद है ना अगर हमें ये सब चीजें चाहिए तो इसमें गलत क्या है राइट सो इन ऑन प्लेजर वाला हु बिलीव दैट द स्टडी ऑफ हिस्ट्री लीड्स मैन टू स्ट्राइव फॉर अ लाइफ ऑफ परफेक्शन क्रिटिसाइज द क्रिश्चियन इंजंक्शन अगेंस्ट प्लेजर इंजंक्शन क्या होता है लॉ निकाल देना अपने हिसाब से कि हाँ भाई सही गलत है. ठीक है तो यहाँ पर एक और आदमी था लोरेंजो करके वो बिलीव करता है कि भाई बेसिकली ये जो क्रिश्चियन लोगों ने बना रखा था ना ये जो चर्च के लोगों ने कि प्लेजर नहीं होना चाहिए लाइफ में हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा कि कैसे वो एंटरटेनमेंट को पाप मानते थे कि नरक में जाओगे तो वो इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है कि भाई क्यों लाइफ में प्लेजर क्यों नहीं होना चाहिए है ना मतलब अगर आप एक लाइफ ऐसे दिखाते हो कि आपकी लाइफ परफेक्शन तभी आएगा आपकी लाइफ में जब आप बिल्कुल प्लेजर हटा दोगे तो ये तो बिल्कुल गलत है तो अब वो क्या कर रहे हैं चर्च की पावर को भी क्वेश्चन कर रहे हैं धीरे धीरे बोल रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें गलत है देअर वॉज ऑल्सो विद गुड मैनर्स तो यहाँ पे गुड मैनर्स की भी बात करी गई है कि कैसे यू uh, नो you know, एक इंसान को बिहेव करना चाहिए पोलाइटली बात करनी चाहिए अच्छे से ड्रेस करना चाहिए कौन सी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए इंसान के पास तो जो ये ह्यूमनिज्म है ना ये इम्प्लाई करता है कि इंडिविजुअल्स व कैपेबल ये तो ये बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि हर आदमी के पास अपना दिमाग है हर आदमी कैपेबल है ऑफ शेपिंग देयर ओन लाइफ थ्रू मीन्स अदर देन द पर्स्यूट ऑफ पार एंड मनी राइट right, के भाई हर आदमी के पास एक अपना दिमाग है अगर उसे पार चाहिए अगर उसे मनी चाहिए इसमें कोई भी चीज गलत नहीं है वो अपने लिए डिसाइड कर सकता है दिस आइडियल वॉज क्लोजली टाइड विद द बिलीव दैट ह्यूमन नेचर वॉज मेनी साइडेड विच वेंट अगेंस्ट ऑर्डर्स दैट फ्यूडल सोसाइटी बिलीव्ड इन तो ह्यूमनिस्ट तो है ही ना ये लोग कि भाई ये तो पोएट्री में भी है ग्रामर में भी हैं जोग्राफी में भी हैं तो ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन नेचर है उसकी बहुत सारी साइड्स है बहुत सारी स्किल हो सकती हैं पहले हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा यहाँ पर सेपरेट ऑर्डर्स के बारे में थ्री ऑर्डर्स हमने पढ़ा ना चैप्टर में कि भाई नहीं तो आप किंग ही हो गए नहीं तो आप लॉर्ड ही हो गए और नहीं तो आप फिर पीजें कैटेगरी में ही हो गए बट बोल रहे नहीं भाई इसके अलावा भी दुनिया इसके बाहर भी दुनिया इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक इंसान में हो सकती हैं तो ह्यूमनिस्ट लोग इस बात को ऑर्ग्यू कर रहे हैं ठीक है अब हमने हमने सारी चीजों के के बारे में पढ़ा, हमने बुक्स के बारे में पढ़ा, हमने के बारे में पढ़ा हो रही है, पढ़ाई की बात करें, बड़ी बड़ी चीजें बोल रहे हैं हमें लगेगा यार कितने मॉडर्न हो रहे हैं। बट औरतों का क्या औरतों के लिए तो, तो कुछ भी चीज नहीं कर पा रहे सो so ये जो नया आइडिया था ना ये जो इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअलिटी के रोने गा रहे हैं ये वुमेन को एक्सक्लूड कर रहे हटाकर कर रहे तो ऐसे कैसे आप इंडिविजुअल हुए ऐसे कैसे आप मॉडर्न हो गए है ना औरतें भी तो हैं लाइफ में सो मेन फ्रॉम अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज़ डोमिनेटेड अरिस्टोक्रेटिक मतलब जो अमीर जो ऊपर हाई क्लास लोग थे उनके जो आदमी थे वही फैमिली को डोमिनेट करते थे वही पब्लिक लाइफ में जो उनका था वो मेन रोल रहता था ठीक है एंड वही अपनी फैमिली के डिसीजन मेकर्स थे तो वो अपने बेटों को एजुकेट करते ठीक है ताकि आगे चलकर फैमिली बिजनेस में उनके जो बेटे हैं वो उनकी जगह ले लें पब्लिक लाइफ में यानी कि बाहर के जितने भी काम है वो उनके बेटे संभाले कभी कभी अपने यंगर सन छोटे बेटे को चर्च भी भेज दिया करते थे ठीक है जो भी घर में शादी होती थी दहेज आता था डाउरी आता था उसको फैमिली बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे तो लड़की का पैसा एक तरीके से पैसा लड़की लेकर आ रही है पर आप उसे इन्वेस्ट फैमिली बिजनेस में ही कर रहे हो बट उसमें लड़कियों का कोई रोल ही नहीं है राइट सो वुमेन जनरली हैड नो से नो से मतलब उन्हें कुछ भी बोलने नहीं दिया जाता था उनका कोई रोल उनका कोई ओपिनियन नहीं होता था अपना कि कैसे उनके हस्बैंड को बिजनेस रन करना चाहिए बस वो पैसे लेकर आती थी बैठ जाती थी सारा पैसा पति का मैरिज इज ना बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि वह इंटेंडिंग टू स्ट्रेंथ इन बिजनेस अलायंस कभी मैरिज करते ही इसलिए थे शादी का रिश्ता ही इसलिए बनाते थे कि जो बिजनेस है ना वो स्ट्रांग हो के हाँ भाई लड़की पैसा लेकर आएगी यहां से इसे बिजनेस में फायदा फायदा होगा ये ऐसे कर लेंगे बस इसीलिए ठीक है अगर एक प्रॉपर जो दहेज है वो अरेंज नहीं हो पाता था तो डॉटर्स को क्या कर देते थे नन नन की लाइफ जीने के लिए मजबूर कर देते थे, थे कॉन्वेंट में भेज देते थे ठीक है कि जाओ अपनी जो जिंदगी है बची खुची रिलीजियस कामों में लगाओ यू आर नो गुड फॉर अस सो ऑब्वियसली जो पब्लिक रोल था वुमेन का वो बहुत ज्यादा लिमिटेड था एंड उन्हें सिर्फ घर के कीपर्स यानी की कि घर संभालने के लिए ही देखा जाता था और रखा जाता था तो ये बेसिकली अभी तो हमने देखा अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में कैसे होता था जो नीचे वाली क्लास थी थोड़ी यू you नो know, मर्चेंट की क्लास थी बैंकर वगैरह की जो क्लासेस थी ठीक है इसमें फैमिली औरतों का रोल ना फैमिलीज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट था कैसे जो शॉपकीपर्स है दे वर ऑफन असिस्टेड बाय देयर देर जैसे हम अभी देखते हैं किराने की शॉप पे अगर अंकल नहीं है तो आंटी तो होगी तो शॉपकीपर्स मान लो एक शॉप खोल ली तो उसकी बीवी भी उसकी हेल्प करती थी इन रनिंग द शॉप जो मर्चेंट और बैंकर्स की फैमिली है उसमें जो बीवियां हैं वो भी बिजनेस वगैरह थोड़ा संभालती थी जब मेल मेंबर्स घर से दूर होते थे है ना काम के सिलसिले में तो यहाँ पे इन वुमेन का रोल थोड़ा सा अलग है अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से है ना वहाँ पे तो औरतों को कुछ बोलने ही नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे एटलीस्ट दे आर हेल्पिंग अब क्या है अगर मान लो किसी मर्चेंट की पहले ही डेथ हो गई है तो कंपेल्ड मतलब फोर्स करना ठीक है तो इससे पूरा का पूरा जिम्मेदारी विडो यानी कि उस विधवा उस बीवी पर आ जाती थी कि अब उसको सारा पब्लिक रोल उसे ही संभालना है ठीक है तो अरिस्टोक्रेटिक में ऐसा रोल नहीं था जो अमीर फैमिलीज थी उनमें ऐसा नहीं था बट मर्चेंट की फैमिलीज में ऐसा था अब क्या है कुछ वुमेन ऐसे भी थी जो इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत ज्यादा क्रिएटिव थी और सेंसिटिव थी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमनिस्ट एजुकेशन तो उनका मानना था अब कुछ औरतों ने आवाज उठाना शुरू करा कि ये सिर्फ आदमियों के लिए क्यों ये जो आप इंडिविजुअलिटी इंडिविजुअलिटी बोल रहे हो ये सिर्फ आदमियों के लिए क्यों हम औरतों के लिए क्यों नहीं है ठीक है सो इवन दो द द स्टडी ऑफ लेटर प्रॉमिसेज एंड ऑफर वुमेन एंड नो डिग्निटी रोड स्टडीज क्या बोला है कि भले ही ये जो लेटर्स है पढ़ाई है पढ़ाई ये हमारे लिए नहीं है बट हमें फिर भी एफर्ट मारना चाहिए पढ़ने का बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस हमें हमारे लिए ले स्टैंड लेना चाहिए राइट तो अब ये जो थी इन्होंने क्वेश्चन भी किया इस आइडिया को कि जो वुमेन है आपको क्या लगता है क्या वो इनकेपेबल है Uh, क्या वो अचीव नहीं कर सकती है उनमें क्वालिटीज नहीं है टू बी अमनिस्ट कि सिर्फ आदमियों के लिए ये ह्यूमनिस्ट ह्यूमनिस्ट क्यों औरतें क्यों नहीं है आपको क्या लग रहा है क्या हम इनकेपेबल हैं क्या हमें क्षमता नहीं है ठीक है तो ये अपनी प्रोफिशियंसी के लिए जानी जाती थी ग्रीक और लैटिन में बहुत ज्यादा अच्छी थी एंड इन्हें ना ओरेशंस मतलब भाषण देने के लिए भी इन्वाइट किया जाता था एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ तो काफी ज्यादा स्टैंड लेती थी है ना काफी ज्यादा इंडिविजुअल थी आवाज उठाती थी इसलिए इन्हें बुलाया भी जाता था अब यहां पर इनकी जो भी राइटिंग है जितना इन्होंने काम लिखा दे ब्रिंग इन टू फोकस द जनरल रिगार्ड फॉर एजुकेशन इन दैट एज तो इंपॉर्टेंस दिखाती है अपनी राइटिंग में कि कैसे एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ठीक है अब इनके साथ और भी बहुत सारी विनेचियन वुमेन राइटर्स थी बट शी वॉज वन ऑफ द वुमेन जिन्होंने क्रिटिसाइज किया फॉर क्रिएटिंग अ हाईली लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम दैट फेवर द डिजायर ऑफ मैन ओवर ऑफ वुमेन कि आपने ये जो आजादी आपने ये जो फ्रीडम की डेफिनेशन बना दी है ना जिसमें सिर्फ आदमियों के डिजायर्स यानी कि उन्हीं की इच्छाओं को फेवर किया जा रहा है ये क्या है क्या औरतें नहीं है क्या उनकी इच्छाएं नहीं है तो वो इस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज करती थी कि ये कोई भी फ्रीडम नहीं है अनदर रिमार्केबल वुमेन एक और वुमेन थी वॉज दर्चेस ऑफ मैन तो ये एक टाइटल है जो दिया जाता है उनका नाम था इजबेल ये फोटो आप देख सकते हो तो हुआ क्या कि जब इनके हस्बैंड नहीं थे तो इन्होंने स्टेट को पूरे के पूरे रूल किया और इस काबिल बनाया कि स्टेट को अपनी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस के लिए जाना गया तो दिखाया गया है कि औरतें किसी से ज्यादा कम नहीं है बट उन्हें वो इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं गया तो वुमेन अगर आप उस टाइम की वुमेन राइटिंग्स देखोगे जो भी लिमिटेड औरतों का जो काम अवेलेबल है है उसमें रिवील किया जाता कि देयर दैट दे शुड हैव इकोनॉमिक पावर लिखा गया है कि औरतों के पास इकोनॉमिक पावर होना चाहिए प्रॉपर्टी होना चाहिए और एजुकेशन होना चाहिए ताकि वो इस वर्ल्ड में वो वर्ल्ड जो मैन के द्वारा डोमिनेटेड है वहां पर अपनी एक आइडेंटिटी अपनी पहचान बना सके गॉट इट एवरी अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी अब हमने देखा कि यार जो ये ह्यूमनिस्ट लोग थे इन्होंने रिलीजन पे तो थोड़ा असर डाला है ना जब और अपनी टीचिंग्स फैलाई बुक स्प्रेड करी लोगों को बताया कि रिलीजन से बाहर भी एक दुनिया है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो जो रिलीजन है वो हिला अब हुआ क्या इसी में डिबेट शुरू हो गई बहस शुरू हो गई अलग अलग ओपिनियंस लोगों ने देना शुरू किया अब हुआ क्या वो देखते हैं देखो लिखा है ट्रेड एंड ट्रेल मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेटिक लिंक्ड इटालियन टाउन कॉन्क्ट एंडालियन ट वर्ल्ड बियॉन्ड अब इटालिया जो इटली के टाउन है वो रिवाइव तो हो गए थे ट्रेड के द्वारा ट्रैवल के द्वारा है ना जो ये मिलिट्री लेवल पे जो कब्जा वगैरह करते थे या जितने भी इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन इससे इस क्या हो रहा था कि जो इटालियन इटली के सॉरी टाउन है इटालियन टाउन है उन्हें लोग भी जान रहे थे कनेक्ट हो रहा था वर्ल्ड के साथ राइट तो यहाँ पर ये जो ह्यूमनिस्ट कल्चर था ये जो नया कल्चर यहाँ पे इटली में चल रहा था ये बहुत सारे लोगों ने एडमायर करा एंड इमिटेट मतलब कि कॉपी भी करा किन लोगों ने नंबर वन जो एजुकेटेड थे और नंबर टू जो वेल्दी थे है ना जगह जगह पर जो एजुकेटेड लोग हैं जो वेल्दी लोग हैं उन्हें ये कल्चर अच्छा लग रहा है उन्हें इसका सेंस भी समझ में आ रहा है तो वो इस कल्चर को कॉपी भी कर रहे हैं बट इसके जो आइडियाज है ना वो नीचे ऑर्डिनरी मैन तक बहुत कम जा रहे हैं बिकॉज उसको भाई ना तो पढ़ना आता है ना लिखना आता है वो क्या तुम्हारी बुक्स पढ़ेगा क्या दिमाग लगाएगा उसका तो केवल ये भाई खाना मिल जाए आकर सो जाऊँ राइट तो ऑर्डिनरी मैन तक ये जो आइडियाज है ह्यूमैनिस्ट वाले ये नहीं पहुंच पा रहे अब क्या हो रहा है फिफ्टींथ और अर्ली सिक्सटींथ सेंचुरीज में बहुत सारे स्कॉलर्स है यूनिवर्सिटीज में नॉर्थ यूरोप में बात हो रही है नॉर्थ यूरोप में जो कि ह्यूमैनिस्ट आइडियाज की तरफ क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट हो रहे हैं तो अब जैसे इटली में हुआ ठीक है कि वो लोग फोकस थे क्लासिकल ग्रीक और रोमन टेक्स्ट पे हमने पढ़ा ना कि इटली में क्या हो रहा था जो पुराने क्लासिकल लेवल पे जो ग्रीक और रोमन टेक्स्ट थे लोग उसको पढ़ रहे थे तो इन लोगों ने भी वही पढ़ना शुरू करा अलोंग विद द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस ठीक है पर यहां पर एक चीज अलग हो रही थी इटली से क्या अलग हो रहा था इटली के अंदर हमने देखा जो प्रोफेशनल स्कॉलर्स हैं वो ह्यूमनिस्ट मूवमेंट को डोमिनेट कर रहे थे यानी कि जो स्कॉलर्स है वो इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे बट नॉर्थ यूरोप में क्या हो रहा था जो चर्च के मेंबर्स है वो खुद आगे बढ़ा रहे हैं इसको वो खुद बोल रहे हैं कि भाई तुम पढ़ो। तुम पढ़ो जो ये टेक्स्ट है ना ग्रीक और रोमन जो एशियन टेक्स्ट है उसको पढ़ो वो खुद बोल रहे हैं चर्च के मेंबर्स बट इटली में ऐसा कुछ नहीं था अब ये लोग क्या कर रहे हैं क्रिश्चियंस को बोल रहे हैं देखो तुम्हारा जैसा रिलीजन है ना तुम्हारा सिंपल तुम उसे ही फॉलो करो ठीक है जैसा एशियन टेक्स्ट में लिखा गया है इन टेक्स्ट में जो लिखा गया है तुम उसी रिलीजन को फॉलो करो जो अननेसेसरी रिचुअल्स है जो चर्च ने अपने फालतू के रिचुअल्स चला रखे ना उन्हें तुम फॉलो मत करो ठीक है उन्हें बिल्कुल हटा दो अपने सिंपल रिलीजन को फॉलो करो

होकर अपनी लाइफ को जिए हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को जिए ठीक है अब क्रिश्चियन ह्यूमेनिस्ट यानी कि ह्यूमेनिस्ट आइडिया भी फॉलो कर रहे हैं क्रिश्चियन भी हैं जैसे कि थॉमस मोर हो गए इंग्लैंड में है ना इरास्मस हो गए होलैंड में उन्हें क्या लगता है उनको अब ये लगने लगा कि जो चर्च है ना ये एक इंस्टीट्यूशन हो गया है ग्रीड से भरा हुआ यानी कि कुछ ऐसे चर्च के लोग हैं जिनमें लालच बहुत ज्यादा आ गया है और जो क्या कर रहे हैं मनी मतलब जान पुछ के पैसा निकलवा रहे हैं आम आदमी से उनके पैसे जो है वो ठग रहे हैं ठीक है अब वन ऑफ द फेवरेट ऑफ द क्लर्जी तो क्लर्जी क्या किया करते थे पैसे ठगने के लिए इंडेलजेंसेज बेचते थे इंडलजेंस बेचते थे मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे बोलते थे कि देखो तुम हमसे ये खरीद लो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे है ना जितने भी तुमने सेंस किए हैं वो सारे मैं धो दूंगा तुम मुझे इतने पैसे दे दो अब जो क्रिश्चियंस हैं जब उन्होंने बाइबल धीरे धीरे जो बुक्स अवेलेबल हुई जो प्रिंटेड वर्जन पहले क्या था बाइबल चर्च के पास था वो देता नहीं था अब क्या है धीरे धीरे जो प्रिंटेड वर्जन अवेलेबल हो रहा है लोगों को लोग उसको पढ़ रहे हैं तो वो तो देख रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं

अपना विद्रोह चालू कर दिया कि ये वो गुस्से में आ गए कि चर्च ये जो टैक्स लगा रहे बहुत ज्यादा गलत है तो अब ये जो आम जनता थी रिजाइन मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में थी कि ये चर्च हमें ठग रहा है और वहाँ के जो छोटे राजा रानी वगैरह थे ना वो भी तंग आ चुके थे चर्च से कि ये ना बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है ना कि हमारे मामले में बहुत इंटरफेयर करता है तो वो भी बहुत इरिटेटेड थे तो अब जब वो देख रहे कि आम आदमी चर्च से लड़ रहा है तो दे आर वेरी हैप्पी राजा वगैरह बहुत हैप्पी हैं कि अपने आप इन्हें ठिकाने लगा देंगे ठीक है तो ये लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं दैट क्लेम टू अब बेसिकली पर ये बोला जा रहा है कि जब भी इनसे पूछा जाता था ना क्लर्जी लोगों से कि आपको किसने राइट दिया टैक्स लगाने का या स्टेट के मैटर में इंटरफेयर करने का तो ये लोग पता क्या बोलते थे ये लोग बोलते थे कि भाई हमारे पास ना एक डॉक्यूमेंट है ठीक है उस डॉक्यूमेंट का नाम है डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन ठीक है अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये इश्यू किया था कॉन्स्टेंटाइन ने जो कि फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्पायर था ठीक है तो उस डॉक्यूमेंट में हमारे पास जुडिशियल फाइनेंशियल लेवल पे हमें पावर्स राइटनिस्ट right तो जो थे पढ़े लिखे हैं वो तो ना, ये प्रूफ करा पॉइंट आउट किया ये नहीं है ये डॉक्यूमेंट जेन्युन नहीं है ठीक है जैसे ही प्रूफ करा तो डॉक्यूमेंट को कर दिया गया इल्लीगल करार दे दिया गया कि अभी तक ये सब क्या कर रहे हैं अभी तक सबके सब क्या कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं सबके सब ने झूठ बोला है तो इस तरीके से जो डिबेट्स थी बच्चों वो कहीं ना कहीं यहाँ पर चालू हो रखी थी अब आपको दिख रहा है कि जो लोग हैं वो खड़े हो रहे हैं किसके खिलाफ जो उनके साथ गलत किया जा रहा है उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं अब वो ब्लाइंडली रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है दैट रिलीजन इज इंपॉर्टेंट वन थिंग बट एट द सेम टाइम यू कांट मेक अ फूल आउट ऑफ अस है ना आप हमें पागल नहीं बना सकते हो तो लोग क्या कर रहे हैं इसके खिलाफ अब खड़े हो रहे हैं सो आई होप दिस इज क्लियर

अपना जो कांटेक्ट है वो भगवान के साथ जोड़ने के लिए जैसे कि पीके मूवी में होता है पीके मूवी तो सबने देखी है ना उसमें वो क्या बोलता है कि भाई ये रॉन्ग नंबर है है ना ये रॉन्ग नंबर है ये जो बीच के मिडलमैन बैठे हैं ये हमें भगवान से कनेक्ट नहीं करा रहे हैं मेरा जो फोन है या जो मेरी बात है वो भगवान तक पहुंच ही नहीं रही है राइट तो 1517 में एक यंग जर्मन मॉन्क होता है मार्टिन लूथर जो एक कैंपेन लॉन्च करता है किसके खिलाफ कैथोलिक चर्च के खिलाफ कि भाई ये जो है इन्हें हटा देना चाहिए क्योंकि हमें प्रीस्ट की जरूरत नहीं है अपना कनेक्शन या अपनी बात भगवान तक पहुंचाने में ठीक है तो वो अपने फॉलोअर्स से क्या बोलता है कि तुम भगवान पे कंप्लीट भरोसा रखो भगवान है भगवान पे तुम कंप्लीट फेथ रखो बट फॉर फेथ अलोन को गाइड देम टू द राइट लाइफ एंड एंट्री इन टू हेवन के प्रीस्ट वगैरह को हटा दो बीच से है ना ये जो क्लर्जी मैंने इन्हें बीच से हटा दो क्योंकि अगर तुम्हें भगवान पे भरोसा है ना तो भगवान अपने आप अप तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएगा ये जो क्लर्जी मैंने लोगों के मन में डर डालते थे ना कि तुम तो हेल में जाओगे तुम हेवन में ही जाओगे तुम्हें नरक मिलेगा तुम पापी हो तुम फलाना हो तो बोल रहा है अगर तुम भगवान पे भरोसा रख रहे हो तो भगवान अपने आप अप तुम्हारी जिंदगी सही करेगा और तुम्हें एंट्री देगा इन टू हेवन तो भगवान काफी है अब इस मूवमेंट को इस पूरी की पूरी मूवमेंट को क्या बोला गया बोला गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन ठीक है क्या बोला गया बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना

कि जो मर्चेंट है वो भी इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं जो मर्चेंट है वो भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि क्या होता था कैथोलिक चर्चेस जो है वो टैक्स ले रहे हैं क्लास हो गए मर्चेंट्स हो गए सबसे टैक्स ले रहे, रहे।, तो वो भी इस को कर रहे हैं कि नहीं भाई ये सही बोल रहे मूवमेंट तो तो है ये बढ़ती जा रही थी लोग जो थे वो मान रहे थे कि हाँ कैथोलिक चर्चिस की जरूरत नहीं है बट एट दी अदर हैंड अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो अभी भी कैथोलिक चर्च ने अपनी जो पकड़ है ना वो कहीं ना कहीं बनाने में वो सक्षम रहा था अब आगे क्या हुआ जो बाकी के जर्मन रिफॉर्मर्स थे जैसे कि एन बैप्टिस्ट हो गए है ना देवर इवन मोर रेडिकल मोर रेडिकल मतलब ये लोग और ज्यादा ये लोग ना वायलेंस में बिलीव करते थे और ज्यादा लॉजिकल चीजों में बिलीव करते थे इनका क्या मानना था इन्होंने ब्लेंड कर दिया आइडिया ऑफ सालवेशन विद द एंड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन कि ये जो सोशियल ऑपरेशन हो रहा है ना ये जो ऑपरेस कर रहे हैं लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं उनसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं लोगों को लूट रहे हैं है ना इसका तो एक ही तरीका है खत्म करने का इन्हें मोक्ष भेज दो ठीक है तो यानी कि ये जो आइडिया ऑफ साल्वेशन है ना जो मोक्ष प्राप्ति है इंसान को तभी हो सकती है जब हम क्या करें ये सारे सोशियल यानी कि ये लोग हिंसा में बिलीव करते थे कि लोगों को दो, कर दो उनको, जो रेडिकल अप्रोच वाले लोग थे इनका मानना था कि भाई देखो लोगों को भगवान ने क्या करा है भगवान ने सबको इक्वल बनाया है तो हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है और हमें राइट है अपना प्रीस्ट खुद चूज करने का यानी कि अगर कोई हम पे रूल कर रहा है और वो हमारे

वो कहीं ना कहीं इन पे अत्याचार कर रहे हैं इनसे बेमतलब टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं राइट तो पीजें तो क्या करा वो भी इस मूवमेंट में जुट गए अब आगे क्या हुआ जो ये मार्टिन गएर था वो बिल्कुल भी ये जो रेडिकल आइडिया है रेडिकलिज्म है इसे सपोर्ट नहीं कर रहा था उसकी एक अलग मूवमेंट थी जिसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बोला गया तो वो इस आइडिया को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था उसने जर्मन रूलर्स को बोला कि भाई ये जो तुम्हारा पीजेंट रिबिलियन चल रहा है ये जो लोग तुम विद्रोह कर रहे हो प्लीज इसे रोक दो जो कि 1525 में रुका भी बट पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ कुछ ऐसे लोग बच गए जो अभी भी रेडिकल आइडिया को रेडिकलिज्म को सपोर्ट करते थे वॉयलेंस में बिलीव करते थे और जितने भी लोग यहां से बचे ये जाकर मर्ज हो गए किन लोगों के साथ जो कहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे फ्रांस में ठीक है जो फ्रांस में प्रोटेस्टेंट थे उनके साथ ये लोग जाकर मिल गए जो कि क्या कर रहे थे वहां के कैथोलिक रूलर्स के खिलाफ जो थे वो लड़ रहे थे तो ये लोग जाकर यहाँ से कहां पर जुड़ गए जर्मन से जाकर जर्मनी के जो लोग थे और फ्रांस के जो लोग थे ये लोग मिल गए ठीक है और इन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया वहां पर दावा करने लग गए कि हमारे पास राइट है कि हम लोग रिमूव कर सकते हैं हटा सकते हैं एक ऑप्रेसिव रूलर को यानी कि रूलर को जो हम पे अत्याचार कर रहा है हम उसको डेफिनेटली हटा सकते हैं और जिस जो हमारा मन है हम उसको चूज कर सकते हैं तो ये लोग इस आइडिया को आगे जाके सपोर्ट करने लगे अब इवेंचुअली में धीरे धीरे क्या हुआ फ्रांस में और यूरोप के बाकी पार्ट्स में भी जो कैथोलिक चर्च थे उन्होंने क्या करा अलाउ कर दिया प्रोटेस्टेंट को कि भाई जिसको वर्शिप करना है कर लो कि अब सारे लोग उनपे चढ़ जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे तो उन्होंने अलाउ कर दिया ठीक है आपको जैसे वर्शिप करना है जिसको करना है आप लोग कर लीजिए अब इंग्लैंड में क्या होता है जो रूलर्स हैं उन्होंने अपने सारे कनेक्शन तोड़ दिए पॉप के साथ ठीक है तो अब जो वहां का राजा और रानी है वही क्या होने लग गया वही हेड ऑफ द चर्च होने लग गए जो कैथोलिक चर्च है उसे लगने लगा यार ऐसे तो मेरी पावर पूरी खत्म हो जाएगी है ना ऐसे तो कोई हमें सुनेगा ही नहीं तो इन आइडियाज का इन मूवमेंट्स का उन इम्पैक्ट इंपैक्ट होने लगा एंड कि हमारी जो कमियां हैं या जो हम गलत कर रहे हैं हम उसको रिफॉर्म करें है ना हम खुद ही के जो हमारी प्रैक्टिस हैं उनको हम थोड़ा सा सही करें वरना ऐसे तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा अब स्पेन में और इटली में क्या होता है जो चर्च में है वो एम्फोसाइज एम्फोसाइज मतलब क्या होता है जोर डालते हैं एक सिंपल लाइफ का ठीक है अब वो क्या बोल रहे हैं रिफॉर्म कर रहे हैं तो अब वो क्या आइडिया स्प्रेड कर रहे हैं कि भाई लाइफ सिंपल होनी चाहिए और हमें जो गरीब लोग हैं ना उनकी मदद करनी हमें उनकी सर्विस के लिए रेडी रहना चाहिए अब स्पेन में क्या होता है अप द सोसाइटी ऑफ जीजस वो ना इस सबके खिलाफ होता है वो ये प्रोटेस्टनिज्म को रोकना चाहता है ठीक है वो नहीं चाहता ये सब हो

तो बेसिकली ये टॉपिक हमेशा से डिबेटेबल रहा है बट अब क्योंकि जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं है ना सारी चीजों को आ, एक तरीके से रिसर्च कर रहे हैं पढ़ रहे हैं चीजों के बारे में तो एक साइंटिस्ट क्लास भी एमर्ज हुई हमने देखा अब साइंटिस्ट इसको क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है कि ये जो आदमी है ये पापी बनता है कैसे बनता है क्या चीज है तो वो क्या कर रहे हैं इसको क्वेश्चन कर रहे हैं द टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन साइंस केम विदर्क ऑफ कॉपर निकस तो कॉपर निकस ने एक ऐसी चीज करी क्या करी हम आगे देखेंगे बट उसने ऐसा करा कि पूरे के पूरे यूरोप की साइंस का टर्निंग पॉइंट आ गया बदल के रख दी उसने अब ये कौन था ये कंटेम्प्री था मार्टिन लूथर का यानी कि जिस टाइम पे मार्टिन लूथर एग्जिस्ट कर रहा था उसी टाइम पर ये भी एग्जिस्ट कर रहे थे अब क्या हुआ क्रिश्चियंस को हमेशा से लगता था कि भाई जो अर्थ है ना वो एक प्लेस है यानी कि अर्थ ना पापियों से भरा हुआ है ठीक है अर्थ पढ़ना सारे के सारे पापी है और अर्थ में इतने ज्यादा पापी हो गए हैं कि अर्थ हैवी हो गया है और इसलिए अर्थ मूव नहीं कर रहा है इमोबाइल मतलब नॉट मूविंग अर्थ इज नॉट मूविंग अब अर्थ मूव करता है ये तो हमें पता है रोटेट करता है बट उस टाइम पर क्या इन्होंने बिलीव बना लिया कि भाई अर्थ में पापी बहुत है उन पापियों का बोझ इतना बढ़ गया है कि अर्थ जो है वो मूव नहीं कर पा रहा है ठीक है द अर्थ स्टूड एट देंटर ऑफ द यूनिवर्स तो इनका मानना था कि यूनिवर्स के बीचों बीच वीच वीच अर्थ है और इसी के आसपास जो बाकी के प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं तो ये इनका मानना था बट कॉपर ने बहुत सारी रिसर्च के बाद ये प्रूव करा कि भाई जो अर्थ है ना ठीक है जितने भी प्लान इंक्लूडिंग दी अर्थ वो सन के अराउंड रोटेट करते हैं भाई ये तुम क्या बोल रहे हो कि अर्थ के अराउंड सब रोटेट कर रहे हैं अगर मैंने ये अपनी थ्योरी दुनिया के आगे ला दी तो ये जो क्लर्जी मैन है जो ट्रेडिशनल व्यूज में बिलीव करते हैं इनका रिएक्शन क्या होगा मेरे प्रति ठीक है कहीं ये मुझे निकालना दे बिरादरी से तो ये बहुत ज्यादा डरा हुआ था तो इस रीजन की वजह से इसने अपनी ये जो रिसर्च थी ना जिसको इसने नाम दिया था द बेस रोटेशन करके इसने क्या करा ये चाहता नहीं था कि ये प्रिंट हो बट जब वो मर रहा था कि अब तो मरी रहा हूं अब तो कौन मेरा क्या उखाड़ेगा है ना तो अपने डेथ बेड पे उसने अपने फॉलोअर को दे दिया था जोचिम को ठीक है अब जब उसने ये आगे इसके मरने के बाद यू you नो know, आगे ये थ्योरी लाया तो बहुत टाइम लगा लोगों को इस आइडिया को एक्सेप्ट करने में क्योंकि अभी तक उनके दिमाग में डाला था कि भाई ये जो अर्थ है ये पापियों की जगह है ये मूव नहीं करता है अब एकदम से एक नई थ्योरी तो बहुत टाइम लग गया लोगों को एक्सेप्ट करने में ठीक है मोर देन हाफ अ सेंचुरी लेटर दैट द डिफरेंस बिटवीन हेवन एंड अर्थ वॉज ब्रिज थ्रू द राइटिंग्स ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स के अर्थ और हेवन के ऊपर और ज्यादा लोगों ने यू you नो know, इनके डिफरेंस के ऊपर और ज्यादा जो थे वो राइटर्स ने वर्क करा एंड काफी सारी चीजें लिखी जैसे कि केपलर हो गया गैलीली हो गया तो ये सबने बहुत ज्यादा काम किया इन चीजों के ऊपर अब ये जो थ्योरी थी ना ऑफ द अर्थ एज अ पार्ट ऑफ अ सन सेंटर्ड सिस्टम कि भाई सन बीच में है और इसी के आसपास सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इसे पॉपुलर किया किसने कैप्लर्स कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री विच डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन नॉट इन सर्कल्स बट इन एलिप्सिस अब आगे आगे जो इसने एक थ्योरी दे दी उस पर और रिसर्च की गई और पता लगाया गया कि भाई सर्कल में रोटेशन नहीं होती इस डायरेक्शन में इस तरीके से रोटेट होते राइट अब जो रिलीलियो है उसने बहुत बाद में द मोशन में अपने काम में इस चीज को कंफर्म करा कि हाँ भाई वो जो अपनी रिसर्च देकर गया था वो बिल्कुल सही है

तो इसमें इस तो कुछ हेवन बारे में बता ही नहीं रखा ठीक है तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो थिंकर्स है मतलब ये एक तरीके से बाइबल को भी क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे जैसे इंसान में दिमाग आ रहा है वो ब्लाइंडली किसी भी चीज को मानने के लिए रेडी नहीं है वो किसी भी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है ही इज नॉट एक्सेप्टिंग कि भाई मैं बिल्कुल ब्लाइंडली क्लर्जीमैन को मान लूंगा नहीं ऐसा नहीं होगा अब अगर मान लो मैं आपको अपनी मतलब हमारी लाइफ का एग्जाम्पल ही देती हूँ मान लो आपका कोई दोस्त है वो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है बनाया जा रहा है एक लिमिट होगी आपके बेवकूफ बनने की राइट आप ब्लाइंडली किसी पे भरोसा करोगे या आप डिपेंडेंट हो गए इमोशनली तो एक लिमिट होगी आपकी भरोसा करने की या डिपेंडेंट होने की एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका भी दिमाग खराब होगा और आप बोलोगे बस यार हो गया है ना कि मेरी आंखें खुल गई यहाँ पर क्या हुआ लोगों का दिमाग खराब हो गया उन्होंने बोला यार लॉजिक अलग है ये जो मुझे बोलते आ रहे हैं वो अलग है तो लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं चीजों को अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये बहुत सारे इस पे वर्क्स लिखे गए एंड उन वर्क्स में बोला गया कि भाई जो नॉलेज है ना वो बिलीफ से बहुत अलग है बिलीफ क्या है मेरा बिलीफ क्या है हम मान रहे हैं किसी चीज को नॉलेज क्या है नॉलेज वो है भाई जो एक्सपेरिमेंट से आ रही है ऑब्जर्वेशन से आ रही है कि हम अलग-अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अलग-अलग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम उससे क्या सीख रहे हैं वो हमारी नॉलेज है राइट वंस दिस साइंटिस्ट्स हैड शोन द वे एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस इनटू व्हाट केम टू बी कॉल्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक्सपेंडेड रैपिडली अब जैसे-जैसे जो ये कुछ इनिशियल लेवल पे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी जैसे जैसे ये आगे बढ़ी इसे एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट हुए और धीरे धीरे लोगों ने फिजिक्स की फील्ड में केमिस्ट्री में बायोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करा ठीक है अब हिस्टोरियंस ने ये जो नई अप्रोच थी इसको क्या बोला गया लेबल दिस न्यू अप्रोच टू द नॉलेज ऑफ मैन एंड द नेचर द साइंटिफिक रेवोल्यूशन तो इसको बोला गया साइंटिफिक रेवोल्यूशन अब धीरे धीरे क्या हुआ इन द माइंड ऑफ स्केप्टिक्स एंड नॉन बिलीवर्स स्केप्टिक्स कौन होते हैं जो भगवान को नहीं मानते तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते ठीक है जो भगवान को नहीं मानते जो नॉन बिलीवर्स हैं तो उन्हें लगने लगा कि भगवान कहाँ है भगवान कौन है ये जो नेचर है ये प्रकृति है हना शायद इसी को लोग भगवान समझ के बैठे हैं

ठीक है अब अकेडमी में अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भी इसके सपोर्ट में इसके प्रति जो थे वो लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स होने लग गए अब यहां पे हम चैप्टर के एंड में आ जाते हैं जहां पर हमसे टॉपिक के थ्रू एक क्वेश्चन पूछा गया है वॉज देयर आ यूरोपियन रेनेसा इन द फोर्टीन सेंचुरी हमने चैप्टर की शुरुआत की हम रेनेसा मैन से हमें इंट्रोड्यूस कराया गया हमें बोला गया कि भाई एक रोमन खत्म हो गया था फिर उसके बाद जो रोमन है और जो ग्रीक राइटर्स है, उनके वर्क को पढ़ा गया बोला गया इससे पहले की सारी डार्क एज थी और हम तो दोबारा से रीबर्थ हो रहा है रेनेसा हो रहा है तो बोला गया क्या सही में रहनेसा था तो हमें दोबारा से वहीं ना के खड़ा कर दिया गया है हमसे दोबारा से पूछ रहे कि सही में रहनेसा था बताओ

या yeah, क्या जो ट्वेल्थ और थर्टीन सेंचुरीज थे क्या वो रियली में एक टाइम ऑफ डार्कनेस था क्या ऐसा था तो बोला गया है कि जो राइटर्स हैं जैसे कि पीटर बर्क ऑफ इंग्लैंड इन्होंने सजेस्ट किया दैट बर्क दैट कि ये जो आदमी था ना ये एग्जैजरेट कर रहा था माने बहुत बड़ा चढ़ा कर इसने क्या बोला है डिफरेंस बताया है इस पीरियड के बीच में और इससे पहले वाले यानी कि फोर्टीन सेंचुरी और फोर्टीन सेंचुरी के पहले वाले पीरियड में बहुत बड़ा चढ़ा के इसने डिफरेंस बताया है और उस डिफरेंस को रेनेसा नाम दे दिया है यानी कि बोल रहा है ऐसा कुछ हुआ नहीं ठीक है बोल रहा है पहले भी लोगों को कल्चर के बारे में पता था ट्वेल्थ थर्टीन सेंचुरी में भी जो लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं ग्रीक और रोमन राइटर्स से इंस्पायर होकर उनके आर्ट से इंस्पायर होके उनके आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर चीज़ें करी हैं इसने बस बड़ा चढ़ा के फोर्टीन सेंचुरी में रहने सा नाम दे दिया तो ये ऐसा बोल रहे हैं ठीक है थीके?

तो क्या बोल रहा है कि बेसिकली ये जो बताया गया है कि मिडिल एजेस में क्या था एक डार्क एज था है ना और रहने में क्या हुआ बहुत ज्यादा आर्ट निकल कर आया तो बोल रहा है ऐसे सब पहले भी हुआ है ठीक है ये कुछ ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ हो तो वो बोल रहे हैं बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो रेनेसा के साथ जो इटली में इन्होंने ये रेनेसा के साथ एक्सप्लेन करा ये पहले भी हुए हैं ट्वेल्थ और थर्टीन सेंचुरीज में ठीक है तो बोला गया है कि कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो तो ये भी सजेस्ट करते हैं कि 9th century, फ्रांस में 9th century में भी similar level पे artistic और literary developments हुए हैं जिन्हें इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया गया जो फोर्टीन सेंचुरी में हुए यानी कि कुछ ऐसा मेजर रेनेसा यहाँ पर नहीं हुआ है ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसा मेजर रीबर्थ नहीं हुआ है तो बोल रहा है कि जो यूरोप में कल्चरल चेंजेस थे एट दिस टाइम दे वर नॉट शेप्ड ओनली बाय क्लासिकल सिविलाइजेशन वो ये भी बोल रहा है हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा क्लासिकल चीज़ों के बारे में पढ़ा क्लासिकल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा कि रोम और ग्रीस से जो लोग हैं वो इंस्पायर हुए और वो वो चीज़ें दोबारा से रीबर्थ करी रिवाइव करी बट यहाँ पर अभी लास्ट में क्या बोल रहा है खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है चैप्टर अपनी बात को कि भाई जो कल्चरल चेंजेस थे यूरोप में वो खाली रोम और ग्रीस से इंस्पायर नहीं हुए हैं वो ये बोल रहा है ठीक है कि और भी और भी लोगों का हाथ है इसमें और भी जगहों का हाथ है ठीक है बोल रहा है हाँ ये बात है कि एडमायर करने वाली चीज है जो भी यू नो you know, लेवल पर चीजों को सर्च किया गया जो भी लिटरल लेवल पे चीजों को किया गया वो बहुत ही ज्यादा एडमायर करने वाली बात है बहुत अच्छा किया गया बट बोल रहा है कि टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें स्किल्स की बात करें तो एशिया में ना बहुत आगे थी ठीक है ग्रीक और रोमन्स को जो पता था ना उससे काफी आगे टेक्नोलॉजी वाइज एशिया आगे था तो वो बोल रहा है कि मच मोर ऑफ द वर्ल्ड हैड बिकम कनेक्टेड एंड द न्यू टेक्निक्स ऑफ नेविगेशन एनेबल्ड पीपल टू सेल मच फर्दर देन हैड बीन पॉसिबल अर्लियर कि भाई ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ग्रीक और रोमन से ही आई हैं ठीक है बोल रहा है कि बहुत आ, पहले से ही ये जो वर्ल्ड था ये थ्रू ट्रेड बोल लो है ना अलग अलग चीजों से कनेक्ट हो चुका था और जो नई नई टेक्निक्स थी चाहे वो नेविगेशन से रिलेटेड हो ठीक है वो आ रही थी जिसने लोगों की मदद करी अनेबल करा कि वो क्या करें जो पहले जितना नहीं जा पाते थे उससे भी दूर दूर जा पाए सो so, यानी कि बहुत सारे इनोवेशन्स थे वो पहले से ही चल रहे थे अब हमने पढ़ा था कि इस्लाम का एक्सपेंशन हो रहा है है ना मंगोल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जो वो कॉन्केस्ट कर रहे हैं जो वो अपना एम्पायर बढ़ा रहे हैं ठीक है उनके जो लिंक थे एशिया के साथ एंड नॉर्थ अफ्रीका विद यूरोप नॉट पॉलिटिकली बट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड ऑफ लर्निंग स्किल्स तो क्या बोला है कि जो ये यूरोप था ये कहीं ना कहीं आ, च, काम के सिलसिले से हमने देखा कि अलग अलग जगह पर जाता था है ना मंगोल्स के साथ भी इनका कनेक्शन था तो ये वहां से भी काफी चीजें सीखता था कहने का मतलब क्या है कुल मिला के खाली ये प्रूव करना चाहता है कि खाली रोमन से या खाली ग्रीक लोगों से इसने नहीं सीखा है इसने और भी चीजें अलग अलग लोगों से सीखी है ठीक है द यूरोपियंस नॉट जस्ट लर्न फ्रॉम द ग्रीक एंड रोमन्स बट फ्रॉम इंडिया इंडिया से भी सीखा है बहुत चीजें अरेबिया से भी सीखा ईरान से भी सीखा सेंट्रल एशिया से भी सीखा चाइना से भी सीखा ये बस यहां पर ये साबित करना चाहता है ठीक है बट ये जितनी भी चीजें जो ये इनसे सीख कर आया है ये बहुत टाइम तक एक्नोलेज नहीं की गई इनका पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि जब बोला गया जब यूरोप के लोग हिस्ट्री लिखने बैठे ना तो वो यूरोप सेंट्रिक व्यू से ही लिखने बैठे वो लोग यूरोप को ही बड़ा दिखाना चाहते थे उनके आसपास ही दुनिया रिवॉल्व कर रही थी वो उसी व्यू से लिखने बैठे इसलिए इन जगाओं का कभी नहीं आया। तो ग्रीक से रोमन से इंस्पायर हुए बोल रहे बहुत सारी और भी देशों का हाथ है जिसे पहले एक्नोलेज नहीं किया गया तो ट्रू मायने में ये कोई नहीं है कोई रिवाइवल नहीं है कोई रीबर्थ नहीं है ठीक है अब बोल रहे एक और इंपॉर्टेंट चेंज एक इंपॉर्टेंट चेंज था जो हाँ फोर्टीन सेंचुरी में आया वो क्या था वो ये था कि लोगों को प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस समझ में आने लग गया कि पब्लिक क्या होता है कि आपका जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो बाहर का काम है जो रिलीजन का काम है और प्राइवेट होता है जो आपकी फैमिली और पर्सनल रिलीजन का काम है तो लोगों को पब्लिक और प्राइवेट में समझ आ गया कि इंडिविजुअल का एक प्राइवेट रोल भी है पब्लिक रोल भी है पहले क्या था पहले ही वो सिंपली अ मेंबर ऑफ थ्री ऑर्डर्स ना के नहीं तो वो लॉर्ड है नहीं तो वो पीजेंट्री क्लास में है केवल फॉर्मली फॉर्मल हो रहा है पब्लिक पब्लिक है बट अब उसे प्राइवेट लाइफ की इंपॉर्टेंस अपनी इंडिविजुअलिटी भी उसे समझ में आ गई ठीक है समझ में आया यहां पर यह भी हुआ कि आर्टिस्ट ही वॉज नॉट अ member ऑफ guild हमने देखा कि एक आर्टिस्ट को भी अपनी इंडिविजुअल पहचान मिली एटीनथ सेंचुरी में क्या हुआ ये जो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी थी ये एक्सप्रेस हो गई पॉलिटिकल फॉर्म में यानी कि पॉलिटिकल राइट हर आदमी के पास होना चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने का ये चीज़ें आगे आने लगी ठीक है अनदर डेवलपमेंट जो हुई वो क्या हुई दैट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ यूरोप स्टार्टेड टू हैव देअर सेपरेट सेंस ऑफ आइडेंटिटी जैसे हमारे यहाँ है ना बेस्ड ऑन लैंग्वेज के गुजरात में जाओ गुजराती मिलेंगे राइट right, अगर आप साउथ इंडिया साइड जाओगे तो वहां पे वहां की भाषा बोलेंगे तो लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों की एक अलग आइडेंटिटी बनने लग गई स्टेट वाइज ये हुआ यहाँ पे यूरोप में धीरे धीरे ठीक है तो पहले क्या था यूरोप पहले रोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ था ना कि भाई रोमन एम्पायर है तो इसलिए वो यूनाइट हो रखा है बाद में लेटिन और क्रिश्चियनिटी से जुड़ रखा था बट अभी पूरा का पूरा जो यूरोप है वो स्टेट्स में बट रहा है और हर स्टेट एक कॉमन लैंग्वेज से यूनाइट हो रहा है ठीक है जी समझ में आया सो so, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस जो है वो समाप्त होता है वो खत्म होता है आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा कोई डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट एंड लेट मी नो आपको ये चैप्टर कैसा लगा यू यूगाज इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू बब बाय टेक केयर